उसे देखकर सुअर भी कूदने की कोशिश करेगा तो पैर टूटेगा ही ना। ओहो, और तू जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो करना चाहिए बस वही कर रहा हूँ। मैं जो कहूंगा वो करेगा क्या? फोकट में फिल्म नहीं दिखा सकता हूँ यार, पैसा है क्या? आज कॉलेज के गेट पर जो फर्स्ट लड़की एंटर करेगी उसके मुंह से तुम्हें आई लव यू बुलवाना है, कर पाएगा? मुझे मेंबरशिप कार्ड बनवाना था। चलिए मेरे साथ, मैं लाइब्रेरी ले चलती हूँ, चलिए। उषा आप ही है ना? रॉकी कह रहा था कि वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर सुसाइड कर लेगा, आपको अर्जेंट बुलाया है। देखो मेरी एक बात सुन लो, ना मैं किसी रॉकी को जानती हूँ और ना वॉकी को जानती हूँ, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, चलिए आप जल्दी चलिए। अरे क्या कर रहा है तू? अरे भाई नीचे उतरा, वो देखो ऊपर क्या हो रहा है। अरे क्या कर रहा है, नीचे उतर, मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, मेरे कॉलेज का नाम क्यों खराब कर रहा है? सर आपके बगल में जो लड़की खड़ी है ना, वो मुझसे प्यार करो बोलकर मुझे परेशान कर रही है। सर मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, अभी अभी तो मेरा एडमिशन किया था सर। एडमिशन होते ही लव हो गया। सर आप तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। अरे बाप रे सर, वो झूठ बोल रही है। ए लड़के झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अरे तू मेरे पीछे पड़ी थी ना, आई लव यू ऐसे बोलकर। अरे सर मैं सच में नहीं जानती, मैं तो इस लड़के को पहली बार देख रही हूँ। ड्रामा बहुत हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा, आई लव यू नहीं बोलूंगा, ऐसा बोल दे नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। हेलो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखिए सर वो नहीं कह रही है। अरे यार ये तो फंस गया, आई लव यू कहलवाने के चक्कर में ये नाटक तो रियल बनता जा रहा है। खैर छोड़ना, इससे हमें क्या, हमें तो बस हमारा पैसा चाहिए। क्यों सर यहाँ से कूद जाऊँ क्या? अरे क्या बोल रहा है, रुक जा। क्यों बेटी मुझे जेल भेजवाना चाहती हो क्या? तुम इस कॉलेज को बंद करवाना चाहती हो क्या? सर वो मुझसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो शांत खड़ी है। ठीक है मैं मर जाऊंगा, कूद रहा हूँ। हेलो मिस्टर, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, ठीक है ना? लव नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी, अब नीचे आ जाओ। देखिए सर इसके गवाह आप ही है ना? हाँ हाँ मैं हूँ, अब तुम नीचे उतर जाओ। सर आपके भरोसे मैं नीचे उतर रहा हूँ। देखो लड़की, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सिर्फ टीसी नहीं दूंगा बल्कि रेड पेन से लिख दूंगा कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अरे तुम एक लड़की हो, लड़कियों को सोच समझकर कदम रखना चाहिए। तुम कॉलेज क्यों आती हो, पढ़ने के लिए ना? ये सारी चीजें इस कॉलेज में नहीं चलेंगी, जो करना है वो बाहर करो, समझ गई? सुनो बच्चों सब अपने क्लासरूम में जाओ। अरे प्यारी लड़कियां मैं तुम्हें कुछ दूं क्या? ला 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 ला। देखिए सर आपको उस दिन भी कहा था ना, मैं इस लड़के को जानती तक नहीं, आपने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया और आज तो इसने मुझे लव लेटर दिया है, अब क्या पनिशमेंट देंगे इसे? क्या ये सब बताओ, हर रोज एक नया सीन क्रिएट करते हो, नॉनसेंस। उस दिन तो तू ये बोलकर ऊपर चढ़ गया था कि ये मुझे लव करती है और आज तूने ही इसे लव लेटर दे दिया, इसे तुम कॉलेज समझते हो या लवर्स पार्क समझते हो? सर मैं कैसा लड़का हूँ आप जानते हो ना, आपकी कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है सर, अभी के अभी पता चल जाएगा सर, पहले इसके हाथ में जो पेपर है वो आप पढ़ लीजिए सर। हाँ सही कहा। क्यों सर पढ़िए ना सर। अरे इस पेपर में कुछ नहीं है, क्या पढ़ूं? ये धोखा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है सर। सर
समोसा कैसे खाते हो वो मुझे पता नहीं है, तो मैं धोखा कैसे दूंगा? मैं तो कितना शरीफ लड़का हूँ ना सर, जब प्यार ज्यादा हो जाता है ना तो खाली पेपर पर भी कलर कलर दिखने लग जाता है। अरे जवानी में तो कौवा भी कलरफुल दिखने लग जाता है, तो मुझ जैसा हैंडसम लड़का अगर दिखा तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? सोचने सर, इसने अब तक मुझसे प्यार करना छोड़ा नहीं है सर। मैंने उसी दिन कहा था कि ये अगर मुझसे प्यार करेगी तो मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगा सर, और इसके लिए आप ही गवाह हो, ऐसा मैंने कहा था। सही कहा, बिल्कुल सही। तो फिर मैं कूद जाऊंगा सर। अरे छोड़ मुझे, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तुम मेरी तरफ देख कर बात करो। ठीक है सर, यहाँ पर आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता, फिर भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर। तुम बहुत अच्छे लड़के हो बेटा। सुन रही हो ना, क्यों ऐसे परेशान कर रही हो? तुम्हें कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? मान मर्यादा और शर्म ये सब है कि नहीं? सर मैं सच कह रही हूँ, गॉड प्रॉमिस, ये लड़का इसने किया था। ये बहुत अच्छा लड़का है, तुम इसे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हो? इसे सॉरी बोलो। सर क्या सर बोलती हो या टीसी दूं? सॉरी सर, उसने प्यार नहीं करूंगी ऐसा कहाँ बोला? प्यार नहीं करूंगी किसको? तुम्हें। अब तो तसल्ली हो गई ना? हाँ हो गई। सब अपने अपने क्लासरूम में जाओ। गो 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 गो। देखो बेटी, आगे से इस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं क्या करूंगा पता है? कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टीसी काट सकते हैं। बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी सर, कुछ नहीं, कल बात करूंगा आपसे। गुस्सा हो गया। हाँ बोल भाई, वो बच गया भाई। उसे तलवार से काटा, उसे लगी है लेकिन बच गया। ए पागल, मैंने तुझे उसे दो चार लाफा मार कर डराने के लिए कहा था, और तू उसके सामने अगर तलवार निकालेगा तो वो देखकर ही डर से मर जाएगा। उसके बाद मेरे और पीटर के बीच क्या होगा ये तू देखना चाहता है? चल फोन रख। भाई मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे उसे मार दीजिए भाई। स्टालिन, थोड़ा सब्र रख। तेरे अंदर नंदू के खिलाफ जितना गुस्सा है उससे ज्यादा मेरे अंदर है। तेरे ऊपर हाथ उठाने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू अभी रेस्ट कर। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी ये कैसी आवाज है? अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जब देखो तब ये फेंकना वो फेंकना यही चलता रहता है इस घर में। हे, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? ये है रॉकी के पिताजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थोड़ा चिल्लाते ज्यादा हैं लेकिन आदमी अच्छे हैं। और ये है रॉकी की माँ, नौकरी करती है पोस्टल डिपार्टमेंट में, और ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं झगड़ा करने में। क्यों जी, आपको मैं घर की नौकरा नहीं लगती हूँ क्या? मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मैं उस ब्रोकर को ढूंढ रहा हूँ जिसने शादी करवाई थी। मस्का लगाकर उसने मुझे फंसा दिया और तुम्हारे साथ शादी करके किस्मत फूट गई। छे, कैसी फैमिली है ये? हाँ, फैमिली के बारे में कुछ कहा ना तो मैं राक्षसी बन जाऊंगी। अरे तो क्या अभी तुम उससे कम हो? मेरे लेवल की कोई लड़की मिल ही जाती थी, तुम जैसे पोस्ट के डिब्बा से शादी करने के बाद मेरी तो जिंदगी ही पार्सल हो गई है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ जी, मेरे लिए भी बहुत रिश्ते आते थे, अगर उनमें से किसी एक को पसंद किया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, मैं राज कर रही होती। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका दिल भी बड़ा ही सॉफ्ट है, ऐसा कहा था आपके घर वालों ने, और आपसे शादी करवा दी। मेरी बुरी तरह से फंसा दिया आपसे शादी करवा कर, उन लोगों की तो खैर नहीं, अच्छी खबर लूंगी उनकी मैं। ऐसा हो गया है कि ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ, आपकी वजह से यहीं पे रह गई हूँ मैं। इतनी देर चिल्लाने से अच्छा था जाकर कम से कम नाश्ता तो बना लेती। वो काम तो आप भी कर सकते हैं ना जी, तुम जैसी दिमाग के पैदल के साथ बात करना कोई कम है? इस सच्चाई को जानने में आपको इतने साल लग गए, वाह वाह। रॉकी मेरे जूते पॉलिश कर दे बेटा। ये अपना काम खुद कर लेंगे बेटा, बच्चे से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती आपको? अपने काम खुद किया कीजिए, समझे? तुम तो बिगड़ चुके हो, बेटे को क्यों बिगाड़ रही हो? अगर मैं उससे कोई काम करवा रहा हूँ तो तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? छु, कैसी किस्मत है मेरी, सब कुछ उस शांता भाई की वजह से। काम वाले रखने से तो अच्छा है कि पति से ही काम करवा लूँ, कम से कम महीने की सैलरी तो बच जाएगी। रॉकी ये बेडरूम है या साइकिल की दुकान है? रॉकी 8 बज गए हैं बेटा, कॉलेज नहीं जाना है क्या? अरे पागल कहीं का, पता नहीं कहाँ चला गया। और ये है अपना रॉकी, ये क्या चीज है खुद ही देख लीजिए।
अबे ओ गधे। माँ माँ क्या हुआ माँ, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या बेटा, इतना पसीना आ गया तुझे इन फूलों को देखकर? ये पसीना नहीं है माँ, ये तो शावर का पानी है। माँ तुम ऐसा करो, जाकर कपड़े सुखाने वाली लकड़ी लेकर। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। पापा। ये है उषा, शी इज वेरी स्वीट गर्ल। उषा। और ये है उषा के पापा, और ये है उषा की दादी, इसे कहते हैं हैप्पी फैमिली। क्या कर रही है बेटी? Happy birthday to you. क्यों बे गधे, आज तेरा जन्मदिन है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बात ऐसी है माँ, नहाने धोने के बाद मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास आने ही वाला था। आशीर्वाद दो ना माँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पापा हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ? ये गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी बेटी? तेरी माँ ने जाते समय मुझसे कहा था, मेरी बेटी तुम्हारे पास गिफ्ट है, वो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट देकर गई है, तू उसकी अमानत है। भगवान का जब इतना अच्छा गिफ्ट मेरे पास है तो मुझे दूसरे गिफ्ट की क्या जरूरत है? नहीं जी जी, रोते नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं रोते, बिल्कुल नहीं, आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। देखो चेयर अप, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, हंसी खुशी कॉलेज जाओ और वहां मन लगा कर पढ़ाई करो। ओके जींस पहनी हुई लड़की मुझसे प्यार करती है, खाली जेब वाले लड़की तुझसे प्यार नहीं होगा, खाली जेब देखकर कभी प्यार नहीं होता, प्यार होता है सिर्फ दिल देख के, मेरे दिल में सिर्फ तेरी सूरत है तू मान ले, ओ मेरी जानू। ये आइडिया भी काम नहीं किया भाई, सारे एमएलए मिनिस्टर नहीं बन जाते, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। ये घटिया चश्मा निकाला। बोलो तुझे इतना चिढ़ा रहे थे, कुछ तो कहना चाहिए था ना। चुप क्यों थी? वो मुझे एक हीरोइन समझ रहा था, कैसे डांटती उसे बेचारा। आ लिपस्टिक मीना। हाय मीना, लिपस्टिक बहुत अच्छी है, कल शाम को फ्री हो क्या? पीवीआर चलेंगे, हम तो एक फिल्म देख रहे हैं। शाम को आकर मेरे कमरे में मिलो उससे। कैसी लड़की है यार, थप्पड़ मार के रूम में बुलाती है। अरे ये अंधे, जो गई वो पता है कौन है? कौन है? लेक्चरर है। बाप रे। अरे अब चुपचाप अपना चश्मा पहन ले रहे। अब सवाल ही नहीं पहनने का, चाहे कुछ भी हो नहीं पहनूंगा, मतलब नहीं पहनूंगा। शांत हो जाओ तुम दोनों, बिना चश्मा पहने मैं लड़कियों को पटा के ही रहूंगा यार, आखिर तुम ही बताओ कि मुझ में क्या कमी है, ऋतिक रोशन से कम नहीं दिखाई देता हूँ। अच्छा, मैं ऋतिक रोशन है। तुझे देख के काला सांड याद आता है। ए 500 रुपए दे फिर देख, अभी के अभी मैं 5 लड़कियों को पटाकर फिल्म दिखाकर लेकर आऊंगा। अरे मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है भाई। अरे यार चश्मा पहन। अबे तू चुप करना, अबे तू बोल। हाँ बोल। अबे तू मोटा कैसे हो गया बे? अबे 500 रुपए दे ना, फिर तू देख मेरे जलवे कैसे लड़की को घुमाता हूँ, कैसे लड़की को पटाता हूँ। दे 500 रुपए निकाल, देना। ए मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मैं कौन हूँ? डॉन का भी भाई हूँ मैं, एक लाफा लगाऊंगा तेरी हार्ट बीट बंद हो जाएगी। चल अभी कभी मुझसे माफी मांग, चल। अरे अरे यार, अरे अब तो चश्मा पहन ले मेरे भाई। पहनूंगा मैं। नहीं पहनेगा। अरे बाप रे, फिर मारा। ये ले। क्या हुआ? देख उधर। देख सर, आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तेरे माँ बाप दिन रात मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजते हैं, और तू यहाँ लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा है? हाँ? मेरा ये डंडा देख रहा है ना, इसमें मिर्ची लगा के अंदर डाल दूंगा। हाँ? क्या हुआ बे? याद कर रहा हूँ। कॉलेज में रैगिंग करना मना है, तुझे पता है ना? पता है सर। आपको
मैंने टीवी 9 में देखा है सर। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। एक्सक्यूज मी सर। ये मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है तू? फूल लड़कियों को देते हैं और तू मुझे दे रहा है, इसे मैं क्या अपने कान में लगाऊं क्या? गुस्सा मत कीजिए सर, मैं दरअसल टीवी चैनल से आया हूं और ये सब मेरा स्टाफ है। कौन बनेगा बकरा इस प्रोग्राम में? आप बकरे के बाप बन चुके हैं सर। ए, क्या कह रहे हो तुम लोग? है बकरा बकरे का बाप बोलो तो। ए, मैं गोरिल्ला हूँ, पुलिस वाले से मजाक कर रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना सर, वहाँ देखिए सर, वहाँ जो दूर एक पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ मैंने कैमरा रखा है सर। कैमरा? क्या तुम लोग जीना है? घर में बीवी भूत बनाती है और तुम लोग मुझे अब मेरी समझ में आया, ये सब तुम लोग मनोरंजन के लिए कर रहे हो ना? ठीक है, मुझे तो लग रहा है कहीं मैं तुम लोगों के शो की वजह से वर्ल्ड फेमस ना हो जाऊं। थैंक यू। अच्छा, मैं नमस्ते। अबे जा बे, तू पकड़ा गया था ना, उसके हाथों मार खा था अभी। ऐसे ही डांटो इसे, डांटो। यार रॉकी ने प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर दिया, लड़की को ऐसे भी परेशान कर सकते हैं सोचा ही नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया यार। अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार, अभी भी टाइम है ना हमारे पास, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। गुरु, अरे देखो गुरु, गुलाबी। हाय गुलाबी, नाम तो तुम्हारा गुलाबी है लेकिन आज तुम्हारे बालों में गुलाब नहीं है। आज मेरी मम्मी ने फूल नहीं दिलाया मुझे। मैं दिला दूं क्या? नहीं नहीं, मेरी माँ को पता चलेगा तो चिल्लाएंगी। मैं इतने अच्छे मूड में हूँ और तुम मम्मी पापा को याद कर रही हो। चलें कॉफी पीने के लिए, मीठी बातें करेंगे और कॉफी पियेंगे। ये क्या कर रहे हो? अरे कूल 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 सर, ये बकवास बकरा का प्रोग्राम है सर, आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन मत लो, बोल के ज्यादा टेंशन दे रहे हो। आखिर ये कौन सी टीवी है? बकरा बनाते हो और क्या क्या बनाते हो तू? अरे बकरा गोरिल्ला ये सब क्या क्या बनाते हो इस कॉलेज में? सर जी वो सब छोड़िए, पहले पूछिए कि कैमरा कहाँ छुपा के रखा है। शाबाश, सही पॉइंट पकड़ा है तुमने। परमिशन लेटर कहाँ है? आईडी कार्ड कहाँ है? नहीं है। अबे तेरी तो। सर जी, नमक मिर्ची लगा के मारेंगे ऐसा बोला था आपने, अब मारी। मस्त मस्त लड़की यहाँ, फंस गई तो चिढ़ने लगी, पुलिस मामा ने लाठी दिखाई, मार खाई तो इज्जत गई। कुत्ता है तो उसे देखकर सुअर भी कूदने की कोशिश करेगा तो पैर टूटेगा ही ना। ओहो, और तू जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो करना चाहिए बस वही कर रहा हूँ। मैं जो कहूंगा वो करेगा क्या? फोकट में फिल्म नहीं दिखा सकता हूँ यार, पैसा है क्या? आज कॉलेज के गेट पर जो फर्स्ट लड़की एंटर करेगी उसके मुंह से तुम्हें आई लव यू बुलवाना है, कर पाएगा? राइट साइड में है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय द वे आई एम उषा, साइंस स्टूडेंट। आप साइंस स्टूडेंट हैं? मैं भी साइंस में ही हूं। आई एम स्नेहा, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। मुझे मेंबरशिप कार्ड बनवाना था। चलिए मेरे साथ, मैं लाइब्रेरी ले चलती हूं। चलिए। सॉरी। ए सीधे से खड़ी हो जा, ऐसे हिल क्यों रही है? जवानी में आने के बाद कुछ दिखता नहीं है क्या तुझे? वैसे ऐसी जवानी में गलत कदम उठकर पागलों की तरह मत करना, थोड़ा आगे पीछे आजू बाजू यहाँ वहाँ पर देख कर चलना चाहिए, वरना अगर एक बार कदम फिसल गया ना तो वापस वो संवर नहीं सकता, इसलिए कोई भी हरकत करने से पहले कम से कम 10 या 100 बार सोच लेना चाहिए, समझ गई ना? नहीं। पता नहीं तो कब समझेगी।
ए, अब इस तरह यहाँ पर खड़ी मत रह, यहाँ पर कॉलेज में चर्सी लोग बहुत है, चल अब निकल वट ले यहाँ से चल। रॉकी उषा आप ही है ना? रॉकी कह रहा था कि वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर सुसाइड कर लेगा, आपको अर्जेंट बुलाया है। देखो मेरी एक बात सुन लो, ना मैं किसी रॉकी को जानती हूँ और ना वॉकी को जानती हूँ, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, चलिए आप जल्दी चलिए। अरे क्या कर रहा है तू? अरे भाई नीचे उतरा, वो देखो ऊपर क्या हो रहा है। अरे क्या कर रहा है, नीचे उतर, मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, मेरे कॉलेज का नाम क्यों खराब कर रहा है? सर आपके बगल में जो लड़की खड़ी है ना, वो मुझसे प्यार करो बोलकर मुझे परेशान कर रही है। सर अभी मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। अभी अभी तो मेरा एडमिशन किया था सर। एडमिशन होते ही लव हो गया। सर आप तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। अरे बाप रे सर, वो झूठ बोल रही है। ए, लड़के झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम मेरे पीछे पड़ी थी ना, आई लव यू ऐसे बोलकर। अरे सर मैं सच में नहीं जानती, मैं तो इस लड़के को पहली बार देख रही हूँ। ड्रामा बहुत हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा, आई लव यू नहीं बोलूंगा, ऐसा बोल दे नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। हेलो मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखिए सर वो नहीं कह रही है। अरे यार ये तो फंस गया, आई लव यू कहलवाने के चक्कर में ये नाटक तो रियल बनता जा रहा है। खैर छोड़ ना, इससे हमें क्या, हमें तो बस हमारा पैसा चाहिए। क्यों सर यहाँ से कूद जाऊँ क्या? अरे क्या बोल रहा है, रुक जा। क्यों बेटी मुझे जेल भेजवाना चाहती हो क्या? तुम इस कॉलेज को बंद करवाना चाहती हो क्या? सर वो मुझसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो शांत खड़ी है। ठीक है मैं मर जाऊंगा, कूद रहा हूँ। हेलो मिस्टर, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, ठीक है ना? लव नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी, अब नीचे आ जाओ। देखिए सर इसके गवाह आप ही है ना? हाँ हाँ मैं हूँ, अब तुम नीचे उतर जाओ। सर आपके भरोसे मैं नीचे उतर रहा हूँ। देखो लड़की अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सिर्फ टीसी नहीं दूंगा बल्कि रेड पेन से लिख दूंगा कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अरे तुम एक लड़की हो, लड़कियों को सोच समझकर कदम रखना चाहिए। तुम कॉलेज क्यों आती हो पढ़ने के लिए ना, ये सारी चीजें इस कॉलेज में नहीं चलेंगी, जो करना है वो बाहर करो, समझ गई? सुनो बच्चों सब अपने क्लासरूम में जाओ। क्या हुआ बे, तू तो बहुत उड़ रहा था, अब क्या हुआ, सारी हवा निकल गई क्या? तूने तो सिर्फ उस लड़की से आई लव यू करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने एक कदम आगे की सोचकर पार्क मूवीज होटल रेस्टोरेंट में अच्छे से घुमाया है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी रेंज में मैंने फील दिया। तो तू ग्रेट है या मैं ग्रेट हूँ? हार मान जा, इसे मैं भलाई है तेरी। अगर तू इसी तरह से बकवास करता रहेगा ना तो मैं हार मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। ईमानदारी दिखा और मान जा, तू मुझसे हार चुका है। मैं हारा हूँ ये मानने के लिए सिर्फ तेरा ही ओपिनियन नहीं चलेगा बे, यहाँ के लोग क्या कहेंगे उसके लिए मैं फिक्स होता हूँ। अभी आई लव यू बुलवा था तो उसमें ज्यादा थ्रिल होता, लेकिन मैंने जो किया है उसमें ज्यादा थ्रिल था, समझा? तुम सब लोग हार गए हो ऐसा बोल दो तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, क्या कहते हो दोस्तों? ओके मेरी बात मान ले, हार मान जा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें फंसा दे। नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग हार कर जीते हो, मैं जीत के हारा हूं। इस बेट को मैं जीत गया हूं, लेकिन उस लड़की को मैं हार गया हूं। उस लड़की के हार की वजह सिर्फ तुम लोग ही हो ना, तो हिसाब बराबर हो गया। नमस्ते भाई। हाँ हाँ भाई, मेरा नाम स्वामी है, चेतना नगर में मेरी एक साइट है भाई, 100x120, वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया है भाई, और अब हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, किसी भी तरह भाई आप उस जमीन को वापस दिलवा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे नाम की जमीन पर कोई और कैसे कब्जा कर सकता है? सुनो डरने की जरूरत नहीं है, जिसने कब्जा किया है उसके बारे में पूरी डिटेल्स दो। सच में भाई हमें कुछ नहीं पता है। वो क्या है ना, उसे पीटर सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट, उसका सामना करने वाले आप अकेले हैं, मैंने ये सारी बातें उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई इसमें आपको 25% कमीशन भी है, ये लीजिए। इसे लेकर चुपचाप निकल जा। एक मिनट। क्या सर, आए हुए कस्टमर को ऐसे वापस करते हैं क्या? एक बार मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, मेरे लोगों ने पीटर के भाई के चेहरे पर निशान बना दिया है, इसीलिए वो पीटर मेरे भाई का स्केच बनवा रहा है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया,
अब अगर बाहर जाकर तूने अपनी जुबान खोली ना तो जान ले नंदू को गुस्सा आ जाएगा और उसके बाद ये नंदू निशाना लगाएगा और मेरा निशाना कभी मिस नहीं होता। आपके भाई के लिए इतना प्रोटेक्शन दिया गया है फिर आप इतना क्यों डरते हैं? नंदू की जान उसके भाई में ही है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। उसे चाहे जितनी भी प्रोटेक्शन दो वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर जहां दिल करे चला जाता है। तो फिर अभी आपका भाई कहाँ है बताइए। आज की ये हसीन शाम एक खास शाम है, वजह है पॉप एल्बम म्यूजिक में बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाले सो स्टाइलिश आज की शाम हमारे मेहमान बनकर आए हैं। मिलिए इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर विशु। ये कौन है तुम्हें पता है? कौन है? He's a genius. मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग है ये। अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपनी पसंद का कोई भी गाना हमारे लिए प्ले करें, प्लीज। ये हमारी रिक्वेस्ट है। Thank you so much. Bye-bye. ए, वो तो जा रहा है। ओहो, मैं हर बार उसे मिस कर देती हूँ। हेलो, वो बहुत ऊंचाई पर पहुँच गया है, तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। देखती रहना, एक ना एक दिन ये म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग मेरे साथ होगा, देखती जाओ। अरे प्यारी लड़कियां मैं तुम्हें कुछ दूं क्या? ला 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 ला। देखिए सर, आपको उस दिन भी कहा था ना, मैं इस लड़के को जानती तक नहीं। आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और आज तो इसने मुझे लव लेटर दिया है। अब क्या पनिशमेंट देंगे इसे? क्या ये सब बताओ, हर रोज एक नया सीन क्रिएट करते हो नॉनसेंस। उस दिन तो तू ये बोलकर ऊपर चढ़ गया था कि ये मुझे लव करती है और आज तूने ही इसे लव लेटर दे दिया। इसे तुम कॉलेज समझते हो या लवर्स पार्क समझते हो? सर, मैं कैसा लड़का हूँ आप जानते हो ना, आपकी कसम खा कर कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। अभी क्या, अभी पता चल जाएगा सर। पहले इसके हाथ में जो पेपर है वो आप पढ़ लीजिए सर। हाँ सही कहा। क्यों सर, पढ़िए ना सर। अरे इस पेपर में कुछ नहीं है, क्या पढूं? ये धोखा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है सर। सर, हाँ। समोसा कैसे खाते हो वो मुझे पता नहीं है तो मैं धोखा कैसे दूंगा? मैं तो कितना शरीफ लड़का हूँ ना सर, जब प्यार ज्यादा हो जाता है ना तो खाली पेपर पर भी कलर कलर दिखने लग जाता है। अरे जवानी में तो कौवा भी कलरफुल दिखने लग जाता है, तो मुझ जैसा हैंडसम लड़का अगर दिखा तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, सोचने वाली बात है। सर, इसने अब तक मुझसे प्यार करना छोड़ा नहीं है सर। मैंने उसी दिन कहा था कि ये अगर मुझसे प्यार करेगी तो मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगा सर, और उसके लिए आप ही गवाह हो, ऐसा मैंने कहा था। सही कहा, बिल्कुल सही। तो फिर मैं कूद जाऊंगा सर। रुक जा, रुक रुक रुक, छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगा। मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तुम मेरी तरफ देख कर बात करो। ठीक है सर, यहाँ पर आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता, फिर भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर। तुम बहुत अच्छे लड़के हो बेटा। सुन रही हो ना, क्यों ऐसे परेशान कर रही हो, तुम्हें कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? मान मर्यादा और शर्म ये सब है कि नहीं? सर, मैं सच कह रही हूँ, गॉड प्रॉमिस। ये लड़का इसने किया था। ये बहुत अच्छा लड़का है, तुम इसे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हो? इसे सॉरी बोलो। सर। क्या सर, बोलती हो या टीसी दूं? सॉरी सर, उसने प्यार नहीं करूंगी ऐसा कहाँ बोला? प्यार नहीं करूंगी किसको? तुम्हें। अब तो तसल्ली हो गई ना? हाँ हो गई सर। सब अपने अपने क्लासरूम में जाओ, गो 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 गो। देखो बेटी, आगे से इस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं क्या करूंगा पता है? कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टीसी काट सकते हैं। बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी सर, कुछ नहीं, कल बात करूंगा आपसे। गुस्सा हो गया। तूने उसे ठीक मजा चखाया है। हो, तुम लोग यहाँ पर हो और मैं हूँ कि सब जगह पर तुम्हें ढूंढ रहा था।
हाय भाग्या। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। ये लो, इसमें अपनी फीस भी भर लो और बचा हुआ पैसा अपने खर्चे के लिए रख लो। कोई बड़ा बकरा भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार कोई बड़ा बकरा मिल गया ना तो फिर तुम्हें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉकी, अगर तुम नहीं होते तो मेरी पढ़ाई आधे में ही रुक जाती। कितना अच्छा होता अगर दुनिया में सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मुझे पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फ्रेंडशिप में एहसान की बातें बिल्कुल नहीं। मुझे पता है रॉकी, मुझे हेल्प करने के लिए तुम किसी लड़की को बहुत परेशान कर रहे हो, क्या ये सच है? देखो भाग्या, किसी एक की अगर अच्छे से हेल्प हो रही है तो सामने वाले का थोड़ा सा भी दिल दुख रहा है ना, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है भाग्या। छोड़ो ना, उनसे बारे में तुम क्यों सोच रही हो? पहले ये पैसा लो और अपनी फीस भरो और अच्छे से पढ़कर कॉलेज में फर्स्ट आने की कोशिश करना, ओके ना? ओके। क्या बात है, वेरी गुड। चल बे बैटरी, चलते। क्या हुआ बे? वो जो ऊपर बैठा है ना, वो भी। अबे चल, तुझे कॉन्टैक्ट लेंस दिलवा देता हूँ, चल आजा। यार रोता रहता है तू भी, चल। ओके भाग्या, ऑल द बेस्ट, थैंक्स। सोडा, बहुत ही जल्दी एक बकरे को पकड़ना है, लाइफ बहुत बोर हो गई है यार, इसलिए। अरे पकड़ा गया। हाय हाय। मुझे सब कुछ पता चल गया है। अगली बार जब तुम बैट लगाओगे ना तो मुझे बता कर लगाना, मैं भी सपोर्ट करूंगी ना। ओके, एनीवेज आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझा था ना, मन ही मन में गालियां भी दी, इसलिए आई एम सॉरी। फ्रेंड्स, और बनने को बोला तो ये फ्रेंड बनूंगी कह रही है, लगता है ये मामला वर्कआउट नहीं होगा। हेलो। ओके ओके। प्रिय विद्यार्थी लोग, आज हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि अपने कॉलेज के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है। आज इस कॉलेज को शुरू होकर पूरे 25 साल हो गए हैं, मतलब सिल्वर जुबली। ये मजा आ रहा है ना? वाह वाह वाह। इसीलिए हम लोग इस सिल्वर जुबली कार्यक्रम को भव्य तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। नंदी पहाड़ में जाएंगे सर। मुझे वहाँ ले जाकर तुम नीचे फेंकना चाहते हो क्या? फालतू बातें मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। देखो, नंदी पहाड़ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर हमें कोई बड़ा कार्यक्रम करना है। सर, मुझे एक लव स्टोरी पता है सर, थॉमस एंड मैरी की स्टोरी, अगर हम उस पर ड्रामा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा सर। सब्जेक्ट तो अच्छा है, लेकिन उससे संदेश क्या मिलेगा ये बताओ। सर, वाह बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त कहानी है। साइलेंस साइलेंस, सच में ये कहानी बहुत अच्छी है, आज से ही तुम लोग रिहर्सल शुरू कर दो। यस, लेट्स मूव। एक्सक्यूज मी सर। यस, कोई बात नहीं, बाद में बात करूंगा मैं। नाराज मत होइए, टेक इट इजी। प्यार को दिल में छुपा नहीं सकते हैं, जबरदस्ती किसी से प्यार किया नहीं जा सकता। इस जिंदगी में तुम्हारे अलावा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आई लव यू। हाँ? तुम कंफ्यूज मत होना, ये हमारे होने वाले ड्रामा के डायलॉग्स हैं। ऐसे ही तुम्हारे साथ चलते चलते डायलॉग्स याद आ गए। तुम्हारे डायलॉग बोलने के अंदाज से मुझे लगता है कि तुम किसी से प्यार करते हो। करता तो था, लेकिन वो जो अभिषेक बच्चन है ना, वो आकर उसे लेकर चला गया। कौन है वो? वही अमिताभ बच्चन का बेटा। अच्छा, वो बॉलीवुड का सुपरस्टार। हेलो, ऐश्वर्या की तो हॉलीवुड रेंज है। हॉलीवुड तक नजर है तुम्हारी तो, लगता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती होगी। हाँ, रखती है। चीयर्स। मैं और किटी पार्टी मिस करूंगी। नेवर। सी यू, बाय। हाय मॉम। हाय। ये मेरी फ्रेंड उषा। हाय आंटी। इसके साथ मिलकर तुम भी बिगड़ मत जाना, अच्छे से पढ़ाई करना। अब झूठा किया है क्या?
एक और कप बनाया होता तो मैं पी लेती ना। हाँ तुम पी लो। ओके ओके, लंच टुमारो, बाय। मेरे डैड। हाय। हाय डैड। नाइस कॉफी। थैंक यू। ये कौन है? उषा, मेरी क्लासमेट। हेलो। तुम पियो ना। पढ़ते हो, घर में अपना सारा काम करते हो, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? ऐसा करना पॉसिबल कैसे होता है? आई एम द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तुम्हारी एनर्जी? तुम्हारी माँ है क्या? माँ नहीं है, दादी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे बस बस, खाओ बेटा खाओ। दादी माँ, आप बैठिए ना, मैं खा लूंगा। ठीक है बेटा। दादी, उषा ने कहा कि उसकी माँ नहीं है, तब मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। माँ होते हुए भी मैं ऐसा हूँ तो माँ के बिना इसे कैसा लगता होगा। मगर आपको देखने के बाद मुझे बहुत जलस फील हो रहा है दादी माँ। दादी माँ, आप मेरे घर पर पैदा क्यों नहीं हुई? हे भगवान, तूने मुझे इस घर में पैदा क्यों नहीं किया यार? अरे उषा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम मेरे घर में चली जाओ। एक तो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आई हूँ और तुम मुझे ही मेरे घर से निकालना चाहते हो। अगर तुम्हें मेरी दादी इतनी पसंद आई है तो मेरी दादी को अपने घर पर ले जाओ। गुड आइडिया। दादी, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, यहाँ से भाग चलते हैं। मैं क्या तुझे 16 साल की लगती हूँ जो तेरे साथ भाग जाऊंगी? मतलब 16 साल की लड़की को भगा कर ले जा सकते हैं क्या? उषा, तुम्हारी उम्र क्या है? अरे अब आंखों से मार डालोगी क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ना तुम और ना तुम्हारी दादी कोई नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारे घर में रहने के लिए थोड़ी सी परमिशन दे दो प्लीज। ए, उससे क्या पूछता है बेटा, ये घर तेरा ही है, जब मर्जी हो चले जाना, जब मर्जी हो आ जाना। स्वीट दादी, 1 दादी = 1000 माँ, आई लव यू दादी। ए, वो मेरा है। अरे क्या, ये मेरा चिकन है, मेरा चिकन है। अरे चुप रहो, चुप रहो। हाय डैड। ए, यहाँ क्या कर रहा है तू? कॉलेज नहीं गया? डैड आज तो कॉलेज। अरे नालायक कहीं का, तुझे बाइक शहर में घूमने के लिए नहीं दी है, तू घर पर आ, फिर तेरी खबर लेता हूँ। देखो उषा, आज संडे है, कॉलेज की छुट्टी है, ये तो उन्हें पता है ना, और अगर नहीं पता है तो जानना चाहिए था, बेकार में मुझे डांट दिया। कहते हैं घर में आओ देख लेता हूँ। अरे अपनी बीवी से लड़ने के लिए टाइम नहीं है इनके पास, तो मुझसे क्या लड़ेंगे ये? क्रॉकी, बेकार में गुस्सा करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तुम्हारा गुस्सा कम करने का एक अच्छा प्लान है मेरे पास। तुम्हें जिस पर भी ज्यादा गुस्सा आता है, उसे गाली देने और मारने का मन करता है, तो ये सब अपने सपने में किया करो। जब वो सच में तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि हंसी आएगी। ट्राई करके देखो, सपने में गुस्सा और हकीकत में नॉर्मल। रॉकी, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी में प्यार की कमी है ना? प्यार की कमी सबसे बड़ी कमी होती है, और तुम्हें ये छोटी बात लगती है? तुम जैसी प्यार में पली बड़ी लड़की को मुझ जैसे तिरस्कार में पले बड़े लड़के का दर्द नहीं समझ में आएगा। प्यार में पैदा होने वाले प्यार ही करना सिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिससे प्यार करना नहीं आता उस पर गुस्सा दिखाते हैं। मगर मुझ जैसा नफरत में पैदा होने वाला प्यार की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेगा, एक ना एक दिन तो वो इस दुनिया का राजा बनेगा। इसलिए इस समाज में रहने वाले समझदार लोगों को हमें देखकर डर लगता है, जानती हो? हवा मेंटेन करते हैं वो लोग। रॉकी, फॉरगेट अबाउट इट। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूँ, ठीक है? Come on, रॉकी। अरे यहाँ आऊंगा तो मेरा मूड और भी खराब हो जाएगा, क्या कर रही हो? कौन है वो? कौन है वो? उसका म्यूजिक नहीं सुना है तुमने? तुम कहाँ से सुनोगे? मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं हमेशा उसी का म्यूजिक सुनती हूँ। I love you so much. I'm mad about you. I love you so much.
you. चलो चलते हैं। रॉकी, are you mad? मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। हर बार मिस कर देती हूँ। मैं इस बार उसे मिस नहीं करना चाहती। I want to go, I want to talk to him. मैं बस दो मिनट में वापस आई रॉकी। मैंने कहा ना चलो। ए रॉकी, रॉकी प्लीज, रॉकी हाथ छोड़ो मेरा। एक बार उससे बात करने दो ना मुझे। हे रॉकी, ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो चलो चलते हैं। ऑटो। ऑटो से? राजा जी नगर चलोगे? जी, चलो बैठो। और तुम? मैं आता हूँ, तुम चलो। से मुझे एक बात करनी है। क्या? बोलूंगा तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, इस बात का डर लगता है। नहीं, बताओ ना। सच, लालच और प्यार, इन तीनों को दिल में छुपाओगे तो वो सांप के जहर के जैसा है और एक दिन आखिर में वो हमें ही मार देता है। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? उसे चाहने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, वैसे ही मुझे चाहने वाली भी दुनिया में बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूं कि इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्यार तुम्हें और कोई भी नहीं कर सकता। देखो, तुमसे उससे भी पहले मैं मिला था, तुमसे दोस्ती भी मैंने ही की थी, प्यार भी मैंने ही किया था, और अभी खोने वाला भी मैं ही हूं ऐसा लग रहा है। पुण्य किया है उस कमीने ने। What do you mean? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, प्यार दिल में पैदा हो गया तो कोई छुपा नहीं सकता। I love you. Shut up! You cheat! मैंने तुम्हें एक अच्छा लड़का समझा और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ऐसा मत कहना, मैं तुम्हारे अलावा जीने की सोच भी नहीं सकता। सुपर सुपर सुपर, क्या बात था, क्या बात था, मस्त था। सुपर, लेकिन एक बात बोलूं, जो डायलॉग लिखा था वो तूने नहीं बोला, अपने मन से बोल दिया, पर अच्छा था रे। लेकिन फाइनल में डायलॉग बोलना पड़ेगा, समझ गया ना? चलो अभी क्लास में चलते हैं, इसे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय। जोर से तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट, बाकी सब तो ठीक है, पर आई लव यू कहते समय ना थोड़ी और फीलिंग्स चाहिए। ओके, एक और बार बोलो। I love you बोलो। I love you। देखो, कोई feelings ही नहीं है। मैं करके दिखाती हूँ, watch it। अगर किसी से प्यार हो गया, तो आप उसे छिपा नहीं सकते। I love you। I love you। Good good, बिल्कुल यही feeling चाहिए। ओके, चलो क्लास में। उषा, हाँ, आज शाम को तुम्हारे सिंगर के प्रोग्राम में चलें क्या? आज नहीं है उसका प्रोग्राम, मैं हमेशा उससे बात करना मिस कर देती हूँ। कल कितना अच्छा चांस था, पर तुम्हारी वजह से। क्यों किया तुमने ऐसा? ठीक है चलो। मेरी पसंद तुम हो, तुम्हारी पसंद कुछ और है, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद होनी चाहिए, इसलिए। हेलो बॉस। हे, हु आर यू मैन? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? कूल 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 कूल, डरो मत भाई, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तुम? हाँ, मुझसे बात करनी है। हु द हेल आर यू मैन? ये ऐसे नहीं सुनने वाला। चल ठीक है, मैं तेरे सामने डायरेक्टली बोल देता हूँ। देख, मेरी एक फ्रेंड है जो तुझे बहुत चाहती है, तुझे उससे लव करना है। हे, यहाँ जो भी आते हैं ना, सब मुझे चाहने वाले होते हैं, तो क्या मैं सबसे लव करता फिरूंगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड जो चाहती है वो दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। Get out from here, man. देख देख, मेरी वाली को दुख पहुंचेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बॉस, जल्दी बताना यार, उससे कब मिलना है, उससे कब लव करना शुरू करोगे? जब तू कहेगा, जहां कहेगा मैं उसको भेज दूंगा, तू बस लव करने का काम कर। Hey, watchman. Yes, sir. इस पागल को अंदर किसने आने दिया?
इसे खींच कर बाहर निकालो यहाँ से। चलो अरे एक चलो, चलो, चलो। अरे बॉस मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी, मैंने तो तुमको लव करने के लिए बोल दिया ना, जानते हो उस लड़की से प्यार करने के लिए भी भाग्य होना चाहिए। अरे क्या बॉस, बताओ ना उसे कब मिलने वाले हो, उसके साथ रहो, उसे प्यार करो, वो बहुत अच्छी लड़की है, आराम से कपड़े फट जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी तुम्हारी खुशी के लिए है। हेलो बॉस। हाय। तुम? हाँ मैं ही हूँ बॉस। तुम मेरा पीछा कर रहे? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं वहां आया था तो तुमने सीधे वॉचमैन को बुलाया था, हम पार्क में जॉगिंग के लिए भी नहीं आ सकते हैं क्या? तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? वही बॉस, मेरी वाली से प्यार करने के बारे में। ओह, तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे? मैं किसी से लव वव नहीं कर सकता। आपको लव करना है ऐसा मैंने बोला ना। अभी तो मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है, अपने बैकग्राउंड के बारे में तुझे बता दिया ना, इसी समय कोमा में चला जाएगा तू। तुम्हारे पीछे चार लोग रहेंगे तो हम लोग क्या कोमा में चले जाएंगे? तुम मेरे कॉलेज में आकर देखो, मेरे पीछे 40 लोग खड़े हो जाते हैं, उसको देखकर मुझे तो लगता है तुम कोमा में चले जाओगे। देखो अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, ऊपर जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो वरना पंख कट जाएंगे। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। भाई क्या बात है छोटे? मुझे एक लड़के ने बहुत परेशान कर रखा है भाई। ये सब कुछ कितने दिनों से चल रहा है? पिछले 2 दिनों से भाई, कहीं भी जाता हूँ लव करो यही बोलता रहता है मुझसे, पागल कर दिया उसने मुझे। क्या कहा? एक लड़का तुमसे प्यार की बात करता है? अरे मेरे भाई कैसा जमाना आ गया है। अरे भाई कोई लड़का नहीं है वो, उसने बताया कोई लड़की है, बहुत बड़ी फैन है मेरी। हे तो करना प्यार उससे। क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे तो ऐसा शक हो रहा है भाई कि मेरे किसी दुश्मन का ये सब काम है, जरा इस पे मेरी मदद कीजिए ना भाई। तू तो समझदार हो गया है, तो चिंता मत कर छोटे, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ और पता करता हूँ वो कौन है, समझ गया? जी। मैंने उससे सिर्फ एक ही बार पूछा, उसने डर कर कहा कि तुम ही इलेक्शन में खड़े हो जा। इधर आ बे। मैं आऊँ क्या? तेरे कोई। दुनिया में आने के बाद इंसान न जाने क्या क्या चाहता है, अगर उसमें से एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहते हैं कि उसकी आत्मा भटकती रहती है, मगर मैं अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज चाहता हूं और वो तुम हो, बस तुम ही हो, तुम्हारे अलावा तुम मेरी कोई दुनिया ही नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में तुम मुझे नहीं मिली तो मैं भूत ही नहीं बल्कि और क्या क्या बनूंगा मुझे ही नहीं पता। आई लव यू, आई लव यू। गुड, बहुत अच्छा किया, आई लव यू बोलते समय थोड़ी और फीलिंग चाहिए बस, मुझे बार बार कहते रहो तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं कह रही हूँ पर मुझे पता है तुम और अच्छा कर सकते हो। ओके रॉकी सुपर एक्टर है यार। अबे सोना उधर क्या देख रहा है? इधर देख। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट कर रहा था ना। अच्छा सुनो, ये लाइन अभी बची हुई है, उसे दो और रिहर्सल करने। हाँ जा भाई, दे दे। उषा स्क्रिप्ट। ये लो, थोड़ा बड़ा डायलॉग है, अच्छे से देख लेना, शाम को फिर से रिहर्सल करते हैं। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। मक्ती सुंदरी, तुम्हें लव लेटर दिया है, अप्लाई करो ना, मुझे कैंटीन में मिलते हैं, जल्दी करना। ए रॉकी, बाहर तेरे बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? तू किसी लड़की का पीछा करके उससे बार बार ये कह रहा है मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। हा? क्या बात है, वो वाली बात यहां तक स्प्रेड हो गई क्या? देख रॉकी, आज के बाद तू उसका पीछा नहीं करेगा। क्यों बे, सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा हो गया क्या? ऊंची आवाज में बात मत कर, बोल दिया पीछा नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ गया ना? मैं उसका पीछा करूंगा तो तू क्या करेगा? गुरु मैं क्या कर सकता हूँ गुरु, बल्कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलो अबे और कौन क्या करेगा तेरा? उन्हें देखते ही बहुत डर लगता है गुरु। ठीक से बता कौन है वो लोग? वो कौन है ये पता नहीं है, पर वो लोग बाहर ही खड़े हैं गुरु, कई बार उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं ये बात आप तक पहुंचा दूं। मैं सच कह रहा हूं गुरु, भगवान के लिए, भगवान के लिए मुझे बचा लो गुरु।
रिहर्सल कर रहा था। ये सिचुएशन तो अपने ड्रामा में थी ही नहीं। देखो प्रैक्टिस करते समय डिस्टर्ब मत करो। डायलॉग्स याद हो गए? हाँ। चलो। अरे गुरु 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 बेकार में मैं मर जाऊंगा गुरु, मेरे मरने से आपको तकलीफ नहीं होगी गुरु? अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जा, आज के बाद तुम उसका पीछा नहीं करोगे ना? अबे जाना तेरी तो, तेरे बाप की कसम मैं कुछ नहीं करूंगा, चल जा। थैंक यू गुरु। मुझे क्या समझ के रखा था उसने, पूरे कॉलेज में मेरी साख है। मैंने उसके सामने ऐसा डायलॉग मारा कि उसकी पैंट गीली हो गई। फिर उसके बाद में मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगा, कहने लगा उसका पीछा कभी नहीं करूंगा, जाऊंगा तो सिर नहीं उठाऊंगा, सिर उठाऊंगा तो देखूंगा नहीं, देखूंगा तो उससे बात नहीं करूंगा, ऐसा कह रहा था गुरु। अगर उसने सर उठाकर उस तरह से बात की तो समझ ले कमीने, तेरा सर कट जाएगा। मम्मी म्यूजिक प्ले करो ना मम्मी, बॉडी रिदम में अच्छे से सेट हो गई थी और अब देखो पूरी स्टक हो गई है। तेरा म्यूजिक ना जंगल तक सुनाई दे रहा है, अब चुपचाप सो जा। मैंने कहा ना इज्जत से सो जा। क्या इज्जत? अरे इज्जत तो आपको देनी है मम्मी, क्योंकि मैं कॉलेज के ड्रामा का हीरो हूँ। एक चमाट लगाऊंगी ना तो हीरो का चेहरा पंक्चर हो जाएगा। और एक बात याद रख, 1.5 महीने के अंदर अंदर प्रतीक्षा की शादी होने वाली है, याद है ना तुझे? हम सब वहाँ रिसेप्शन में जाने वाले हैं। उस दौरान तू क्या करेगा मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। पूरे कॉलेज में तुझे फर्स्ट आना है और मार्क्स कार्ड मेरे हाथ में होना चाहिए ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरा बेटा क्या है। दैट्स ऑल। माँ प्रतीक्षा की शादी है। नो आर्ग्यूमेंट्स, ओके? दुनिया में सब इंसान फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते, क्योंकि सभी लोग फर्स्ट रैंक लाएंगे तो फर्स्ट रैंक की इज्जत ही नहीं रहेगी ना। मैं हर बार फर्स्ट रैंक लाता हूँ लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। क्या करें, इनको सुधारने वाला भी तो कोई नहीं है ना। ए सोडा, चलने में भगवान ने क्या सुख रखा है ना यार। क्या हुआ? वन मिनट, इंचा चिका रॉके, 3-4 दिनों से मेरा मोबाइल जो है वो खराब हो गया है। Only incoming, no outgoing. शायद तूने ठीक से रिचार्ज नहीं किया है लगता है। रिचार्ज ज्यादा करवाया है तो बैटरी बस्ट हो जाएगी। बार बार मिस्ड कॉल आता है, भांति भांति की रिंगटोन भी आ रही है। सोडा, लगता है तुझे वायरस अटैक हो गया है। No Rocky, this is not a virus, this is far taste. तू एक काम कर, एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दे। थैंक यू Rocky, वन मिनट। सुरसुरी मध्यम भुचक भुचक पादम, शने शने वायु निकला। रॉकी आउटगोइंग रिलीज हो रहहा है यार। 500 रुपए के छुट्टे हैं क्या? हाँ देता हूँ, रुक जा। नहीं रहने दे, 2 रुपए ही दे दे। हाँ मुझे पता है। हाँ, 2 रुपए मांगने के लिए कितना ड्रामा करना है। बिल भरना है ना। हेलो, बूथ वहाँ पर है। थैंक यू यार, और जल्दी आना, बहुत कॉल करने हैं मुझे। ठीक है जा। जुगली 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 जुगली। Yes, yes, I'm on the way, sir. Boss! अरे boss, hi boss! Hi boss! Hey, तू इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहा है भाई? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे तू? क्या boss? तुम्हारी देखने की नजर अगर ठीक रहेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो बॉस, मैं आपको दोस्त मानकर देख रहा हूँ तो आप भी मुझे दोस्त की तरह नजर आ रहे हो। मोस्टली आप मुझे दुश्मन की तरह दिख रहे हो, इसलिए मैं आपको दुश्मन की तरह नजर आ रहा हूँ। दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। बस अपनी थोड़ी सी नजर बदल ली तो दोस्त दुश्मन बन जाएगा और जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएगा। आप अपनी देखने वाली नजर थोड़ी सी चेंज कर दीजिए तो हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे। फ्रेंड्स? तुम और मैं? गाड़ी से नहीं छोतरो, पहले आप प्यार करना शुरू करो फिर मैं आपकी गाड़ी से उतर जाऊंगा। अच्छा बोलो, मेरी वाली से कब मिलने वाले हो? शाम को मिलते हैं। पक्का ना? उसके बाद धोखा तो नहीं दोगे ना? मतलब मिस तो नहीं करोगे ना? मिस नहीं करूंगा, उतर अभी। ओके बॉस। बॉस वो क्या है ना, अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, केस अपने ही फेवर में है। इसके लिए भाई, मेरे बारे में क्या सोचा आपने? किसकी बात कर रहे हो? वही उस लड़के के बारे में। कौन सा लड़का? अरे वही जो मेरा पीछा कर रहा है भाई। अच्छा वो, उसकी बात कर रहे हो?
मेरे लड़के गए थे और अब तो वो मैटर इन लोगों ने क्लियर भी कर दिया है। नहीं हुआ भाई, क्लियर नहीं हुआ है। वो मेरा पीछा करके मुझे कितना डिस्टर्ब कर रहा है पता आपको? मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। अरे छोटू, तू अपने ही लोगों से छुपकर इधर उधर घूमता रहेगा तो और क्या होगा? यही होगा ना भाई। सुनिए, मैटर आप सॉल्व करेंगे या फिर मैं खुद पुलिस कंप्लेंट करूं, बताइए। देखा ना वकील साहब, ये क्या कह रहा है? घर के मामले को ये पुलिस पे ले जाने की बात कर रहा है। पुलिस वाले हमारे आगे पीछे घूमते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ अपना रुतबा खुद ही मेंटेन करना पड़ता है। अब जा। अरे जा, मैं सब कुछ देख लूंगा। अगर बोल देते तो मैं चुपचाप यहाँ पर रुक जाता था ना बॉस। ए, तुझे साइकिल रोकने की जरूरत नहीं है। तू मेरे बॉस को जो टेंशन दे रहा है ना, पहले उसे रोक, समझा? तुम्हारा बॉस कौन है, उसका भाई कौन है, पहले वो तो बता दो। मेरा बॉस है नंदू और उसका भाई विशु, विश्वास। उसको टॉर्चर करना छोड़ दे, समझा? प्यार करने के लिए कह रहा हूँ तो उसे तुम टॉर्चर कह रहे हो क्या? अरे प्यार करना तो एक आर्ट होता है बॉस, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे लड़ने आ गए क्या? देखो बात क्या है ना, कि मुझ जैसे अच्छे लड़के के साथ रहकर मेरी वाली उससे भरोसे से लव कर रही है। चलो ठीक है, सोचकर मेरी वाली की खुशी के लिए मैंने उससे जाकर पूछा कि आप मेरी वाली से थोड़ा सा प्यार कर लो, मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान हो जाएगा। लेकिन वो है कि मुझे ज्ञान देने लगे यार, और उसके बाद उसने सब कुछ तुमको भी बता दिया और उसकी बातें सुनकर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आ गए। अरे भाई, एक बार प्यार हो गया तो दुनिया कितनी सुंदर दिखती है तुम जानते भी हो? बकवास कर करके टॉर्चर क्यों कर रहा है तेरी तो। भाई मामला बहुत सीरियस हो गया है भाई, जल्दी से मल्लिकार्जुन हॉस्पिटल आ जाइए। थू, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने मारने के लिए नहीं सिर्फ धमकी देने के लिए कहा था और तूने उसे मारा, बेवकूफ। क्या है ये सब, बताओ? उसने तुम्हारी ये हालत की है या खुद ही आपस में भिड़ गए? वो बहुत ताकतवर है भाई, एक बार मारने तक सब कुछ ठीक था भाई। अरे बाप रे, उफ उफ। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ये गार्ड निकालना भूल गया था। अच्छा ही हुआ गार्ड ने निकालने नहीं दिया। हम उसे बच्चा समझ रहे थे पर वो तो सांड है भाई, हम लोगों को अच्छी तरह से धोया। कमीनो, जितना हाथी खाता उतना खाते हो तुम लोग, और एक लड़के से मार खाकर आ गए। लगता है सर पे बहुत चोट लगी है भाई, बहुत दर्द हो रहा है। तू एक बच्चे के हाथ से मार खाकर यहाँ बेड पर लेटा हुआ है और बोलता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? भाई मुझे उस लड़के से मिलना है, जल्द से जल्द व्यवस्था करो। उठा कर लाओ क्या? नहीं, वो जहाँ बोलेगा वहाँ मिलूंगा, जाओ उससे बात करो। मैं नहीं जाऊंगा।
क्या हुआ, वो अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं डर कर भाग तो नहीं गया? नहीं भाई, वो पक्का इधर आएगा। मार तो हमको पड़ी है ना, हमको डरना चाहिए, वो जरूर आएगा भाई। हाय फ्रेंड्स, एक मिनट ज्यादा नहीं, एक मिनट कम भी नहीं, एकदम सही टाइम पर आया हूं, करेक्ट ना? कल भी वैसे ही, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो किया नहीं, मुझे जो करना चाहिए था उसे किए बिना छोड़ा भी नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो गई। तुम्हारे लोग आकर जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए बोल रहे हैं और जो करना चाहिए उसे नहीं करने के लिए बोल रहे थे, गलत बात है ना भाई? अरे आप जरा समझाओ इनको। आप लोग गलत कर रहे हो, ये बात मैंने उन लोगों को अच्छे से समझाई भाई, लेकिन सुना ही नहीं। आप लोग तो बड़े लोग हो और समझदार हो, अब इसमें मेरी कोई गलती है क्या भाई? कोई बात नहीं, खिलाड़ी है तू, लॉजिक पकड़कर अच्छा मैजिक कर लेता है। सुन, तूने मेरे आदमियों को मारा, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे भाई को क्यों परेशान करता है तू? तुझे पता है वो मेरा इकलौता भाई है, उसे उसकी जिंदगी जीने दे। बात इतनी है भाई, जैसा तुम्हारा भाई एक ही है वैसे अपना भी तो एक ही है। गर्लफ्रेंड जो चाहती है उसे दिलवाना बॉयफ्रेंड का फर्ज होता है, और मेरी वाली को तेरा जो करता है ना वो एल्बम जो कुछ भी है वो उसे पसंद है, 24 घंटे बस उसके ही गाने सुनती रहती है। चलो सुनने दो, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है सोचकर मैं चुप था, मगर मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे भाई को भी तो चाहती है, इसलिए मैंने सीधे जाकर उसे बताया। और बॉस, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका ही भाई मुझे गलत समझ रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है बताओ? अब आपने ही कहा ना भाई कि लॉजिक पकड़कर मैं मैजिक से बात करता हूं, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा? देखो भाई, आपके भाई को सिर्फ उससे मिलकर इतना बोलना है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, उसके बाद मैं उसको कन्विंस कर दूंगा। वो सब छोड़कर आपका भाई देखे बिना लव नहीं करूंगा, लव नहीं करूंगा ऐसा बोल रहा है। अरे मैं क्या उसको सुसाइड करने को बोल रहा हूँ? गलत बात है ना? नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और फिर गलती करने के लिए तुम लोग थोड़े ही हो, अगर हम गलती करते हैं तो वही उसका वैल्यू होता है। अच्छा ये बता, वो लड़की कौन है? उसका नाम उषा है भाई, दिखने में बहुत अच्छी है और उसमें गुण भी बहुत अच्छे हैं। ऐसी लड़की को पाने के लिए तुम्हारे भाई जैसा नसीब होना चाहिए। ओए, पागल हो गया है क्या? पहले ये बता वो लड़की तेरी लगती कौन है? देख बता दे, मेरा दिमाग खराब मत कर। लवर हूँ। अपने लवर को लव करवाने के लिए तू दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है? हम जिसे चाहते हैं उसकी खुशी भी तो हम चाहते हैं ना भाई। लव का मतलब सिर्फ लाल बाग, कब्बन पार्क, पिज्जा कॉर्नर, यहाँ वहाँ घूमकर, खेतों में घुसकर लड़की अगर नहीं मान रही है तो हाथ उठाना भी तो नहीं होता है ना भाई। अगर लड़की पसंद आ गई तो उसे शादी करके दो बच्चे पैदा करना, यहाँ वहाँ नहीं जाना, बस इतना ही होता है क्या भाई? मैं उषा से बहुत प्यार करता हूँ और उषा तुम्हारे भाई से प्यार करती है, अब मेरा प्यार तो नहीं हारेगा और उषा के भी प्यार को हारने नहीं दूंगा, क्योंकि उससे मैं एकदम सच्चा प्यार करता हूँ। इसलिए एक बार अपने भाई से कहो ना कि वो मेरी रिक्वेस्ट मान ले। चलता हूँ भाई। मेरी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। मेरी जाने मन के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे उसके लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन गर्लफ्रेंड की मुश्किल में जो मदद ना करे वो असली बॉयफ्रेंड भी नहीं होता, उसकी जिंदगी भर रक्षा करने के लिए मैं परछाई की तरह उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। नहीं, वैसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सुन लो दुनिया वालों, प्यार करने वालों की मदद करने के लिए ये रॉकी हमेशा खड़ा रहेगा। ये तो ठीक है, एक अच्छे लव सीक्वेंस की प्रैक्टिस करनी है। बट लव कैसे करते हैं? वो तो अपने आप हो जाता है। यस, अपने आप होता है।
हेलो या सर चेंज कीप द चेंज बहुत ज्यादा टिप है सर कीप द फोन चल ना अगर तुमसे मैंने चेंज ले लिया तो मेरी इमेज चेंज हो जाएगी कूल क्या लोन दोगे अरे लोन देना है तो किसानों को लोन दो ना उससे वो गोबर खरीद कर खेती करेंगे कोई ना कोई व्यवसाय करेंगे बेकार में हमें लोन देते हो और उसकी रिकवरी करने के लिए कोई गुंडे भेज देते हो घर पे इन सब की क्या जरूरत है भाई सर आप यहाँ सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी सभी एल्बम्स मुझे बहुत पसंद हैं ओके यू आर रियली गुड लिसन टू मी सर प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज ओके सर प्लीज ओके या यू गो थैंक्स 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 थैंक यू वेरी मच सर थैंक्स थैंक यू मिस उषा उषा आप मेरी हेल्प करेंगी प्लीज हेल्प मैं ओह माय गॉड मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ सर आप अभी मेरी लवर हैं रिलैक्स जस्ट एक्ट करना है प्लीज ओके अब आप चुपचाप फोन रख दीजिए सॉरी अरे बॉस आप यहाँ पर तो तुम यहाँ भी आ गए देखो मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी वाली से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ ओके हाँ आज के बाद से तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो प्लीज गो ये पता नहीं आपके साथ क्या क्या हो गया बॉस चाहे कुछ भी हो ये ऐसा ही होगा मुझे पता था बॉस ऐसा होने के लिए मैंने ये सब किया था बॉस ये वाली ऐसी है ये बात वैसी है मैंने आपको पहले ही बताया था ना लेकिन आप तो बहुत ही उड़ रहे थे अभी अरे इस तरह कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई अरे मैं मेरी वाली बोलता था ना ये वही तो है तुम मेरे जानते हो अरे जानते क्या है मेरी वाली से प्यार करो बोल के जान खा गया ये मेरा मगर वो लड़की आप ही है ये बात मुझे नहीं पता थी आई एम वेरी लकी यू सी रॉकी मैं क्या बोलना चाहता था ये आप अभी समझ गए ना बॉस मैंने जो कुछ भी किया है लव के लिए किया है आखिर आपका भला हो रहा है ना और साथ साथ में इसका भी भला हो रहा है उषा आर यू हैप्पी रॉकी मैं तो सिर्फ उनसे मिलना चाहती थी लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया थैंक यू सो मच दिल की बातों को समझने वाले मेरे सच्चे दोस्त हो तुमने मेरी विश पूरी कर दी थैंक यू सो मच यू नो मेरे डैडी के अलावा मेरे दिल में सिर्फ दो लोगों के लिए जगह है एक आप है और एक रॉकी पापा कहते हैं कि सेंटीमेंट की वजह से मैं आपको चाहती हूँ लेकिन मैं आपको चाहती हूँ आपके म्यूजिक की वजह से थैंक यू रॉकी को चाहने के लिए क्या वजह है अभी तक नहीं पता चला पर मुझे पूरा यकीन है कि वो लाइफ लॉन्ग मेरा साथ देगा ओह माय गॉड इसका मतलब अगर आज मैं आपसे नहीं मिलता तो मेरी जगह पे रॉकी होता मतलब ये पोस्टपेड सिम है तुम्हारे डैड प्रीपेड सिम है और मैं लाइफटाइम सिम कार्ड हूं है ना रॉकी तुम बातें बहुत अच्छी करते हो थैंक यू इसी तरह बातें करते रहे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा चलो उषा मैं तुमको छोड़ दूं आपके साथ चलो हाँ मैं हाँ क्यों नहीं I can't believe this thank you so much Rocky I'll catch you later चल bye सर सर यस नमस्ते सर मेरा नाम रॉकी है और मुझे म्यूजिक डायरेक्टर सर से मिलना था ऊपर आ जाइए सर मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ थैंक यू आपका कंपोज करने वाला म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है थैंक यू
स्पेशली हार्ट बीट वाला जो सॉन्ग है ना वो एक मूवी में गाया था, वो तो सॉन्ग बहुत ही सुपर्ब है सर। ओह थैंक यू। चिक्कू वुक्कू चिकरेले, ये तो सुपर्ब सॉन्ग है सर। थैंक यू। बात यह है कि मुझे एक दिन में ही गिटार बजाना सीखना है। देखो रॉकी, गिटार बजाते नहीं बल्कि उसको प्ले करते हैं। तुम्हें सही से गिटार पकड़ने में ही 1 महीने लग जाएंगे, समझ गए? 1 दिन में परचेस करके घर में लाने के लिए संगीत मार्केट में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। संगीत एक सागर की तरह है, अगर उसमें पारंगत होना है तो श्रद्धा से मेहनत करनी पड़ती है। मैं पक्का करूंगा सर, मेरा सपना तो मेरी माशू का है और उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। उसी के लिए मैं संगीत का सपना देख चुका हूँ और उसे पूरा करने तक मैं इस सपने को छोड़ूंगा नहीं। संगीत शौक के लिए नहीं करते ये तो मुझे पता है सर, बल्कि संगीत से जो प्यार करते हैं ये उसे ही आता है। मैं मेरी लवर से जितना प्यार करता हूँ उतना ही संगीत से भी प्यार करता हूँ, तभी तो मैं संगीत सीख पाऊंगा ना सर। गुड, अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तुम संगीत सीख सकते हो। प्यार किया है तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, इस बात को प्रूव करना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। गुड लक रॉकी, ऑल द बेस्ट। हे भगवान गिटारेश्वर, मेरी कामना पूरी कर दे। हाय। हाय। तुम्हारे हाथ में गिटार? गिटार इससे पटाना चाहता हूँ। किसे पटाना है? तुमको। ए, झूठे। हाँ झूठा हूँ, तुम्हारा हीरो विशु गिटार बजाता है तो वॉटर मेलोडी कहती हो और मैं बजाता हूँ तो झूठा कहती हो। मैं तुम्हें आवारा दिखता हूँ क्या? ए, तुम जो भी करोगे मुझे पसंद है। मतलब तुम विशु को जितना चाहती हो उतना ही मुझे भी चाहती हो क्या? Because you are my sweet friend, right? अब तुम्हारा पशु जो है ना, सॉरी मतलब विशु है ना, उससे भी अच्छी गिटार बजाना मैं 1 हफ्ते भर में सीख जाऊंगा, तुम देखती रहना। क्या सिर्फ 1 हफ्ते में गिटार बजाओगे? ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर भी हंसे थे मुझ पे, तो मैंने उनसे कहा कि म्यूजिक पर मुझे बहुत प्यार है, मैं जल्द ही सीख जाऊंगा। ऐसे ही उन लोगों ने भी अपनी हंसी रोक दी और कहा कि जल्दी सीखेगा लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, ये भी बोला। हा? म्यूजिक पर। नाइस। वैसे तुम्हें म्यूजिक कितना पसंद है? मैं जितना तुम्हें चाहता हूँ उतना। पागल, मुझसे भी ज्यादा करो। नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। उषा, हाय, जरा यहाँ आओगी? नो, ओनली यू प्लीज। ए, विशु आया है, मैं भी आती हूँ, हटो। ये देख, वहाँ बैठा है। हाँ, चल जल्दी आ। चल 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 चलते हैं। आ जाओ, बैठो। किवे, उषा को अभी तक भूला नहीं है क्या? जब चाहो तब उसको भुला दो, उसके लिए वो कोई पड़ोस वाली नहीं है, समझ गया ना? तू कह रहा था कि तू उसे बहुत प्यार करता है यार। जब चाहो तब बोलने के लिए लव 2 × 1 = 2 बोलने जितना आसान नहीं है बे। वो तो अपने आप अंदर से आना चाहिए, अपने आप समझ में आना चाहिए। तुम सबको प्यार क्या होता है पता भी है? मुझे क्या? पता है। लड़की को पार्क में ले जाना, शाम को मूवी दिखाने ले जाना, और जब घर में कोई ना हो तो रूम में ले जाके तूफान मचा देना। रूम में ले जाकर तूफान मचाएगा तो किस लिए भाई? अकेले में लव थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है भाई। अकेले में लव डेवलप नहीं होता है, समझा? तो फिर समझ गया। ठीक है यार, लव का मतलब क्या है ये तू ही बता दे। ये लव का मतलब लव ही होता है। ना उसका प्यार हारना चाहिए और ना ही अपना प्यार हारे। सच्चा प्यार कभी भी नहीं हारता, आखिर तक जो नहीं हारता है वही सच्चा प्यार है। मतलब कि तुम किसी एक लड़की को ढूंढकर उसके साथ शादी करने का प्लान बना रहे हो? ऐसा नहीं करना यार, पहले उसके घर परिवार के बारे में जान लो, नहीं तो परेशानी होगी। सुन ले, कभी ना कभी उसे उस लड़के का प्यार झूठा है पता चल ही जाएगा। वैसे ही मेरे सच्चे प्यार के बारे में भी वो जान जाएगी और उसके बाद वो मेरे पास जरूर आएगी। उस दिन उसी ने तो कहा था कि मैं रॉकी को अपने दिल से बहुत चाहती हूँ। मैं उसके लिए दरअसल एक वाइट पेपर जैसा हूँ, वो जो भी लिखेगी मैं वही बनूंगा। लवर, मंगेतर, पति, देखना ऐसा ही कुछ तो लिखेगी, देखते रहना। ए सोडा, इसने कभी अपनी बात सुनी है क्या? ये भी अलग है, इसका स्टाइल भी अलग है यार, मुझे बात नहीं करनी। चलो चल भाई, चल चलते हैं। ओके बाय। ए सोडा। उषा,
आई लव यू उषा। कौवा था बॉस, आपको डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने पत्थर मारा। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए ना। वो हमेशा से ही ऐसा है, हंसता है, हंसाता है, लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करता है। अगर उसके साथ रहोगे तो कभी भी बोर नहीं होगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ओहो, तो तुम्हें बहुत पसंद है। सारी दुनिया की लड़कियां एक ही जैसी होती हैं। सॉरी, मैं जो बोलना चाहता था वो नहीं बोल पाया। शे उषा, मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, म्यूजिशियंस, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग हैं। मैं उन सब से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ एक बार। इसलिए अगले हफ्ते मैंने एक बड़ी सी पार्टी रखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज। ओह रियली, तुम मेरी वजह से पार्टी रख रहे हो तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ। दुनिया वालों, लव यू या हेट मी, ट्राई बैंग, किस मी या किल मी, ट्राई बैंग, ओ डार्लिंग प्लीज डू समथिंग फॉर मी। ओके उषा, मैं तुमसे कुछ और भी बात करना चाहता था, लेकिन आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा है, तो कल हम किसी और जगह पे मिलें बिल्कुल अकेले, हैं? ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों बॉस, प्यार करने के लिए इतना अच्छा मौसम है फिर भी इतनी जल्दी उड़ गए क्या? रात को मेरी वाली को 12 बजे फोन करोगे ना? क्यों? क्या बॉस, आप भी ना, अरे लोग जैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो ऐसी 12 बजे फोन करके विश करते हैं, उसी तरह आप हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलकर विश कर दो, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बॉस। और इसके अलावा आपके लव के बारे में बात करने के लिए इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? गुड थॉट, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें नहीं लगता है कि 12 बजे बहुत देर है? मुझे सुबह जॉगिंग पर भी जाना होता है। ओए, अरे कौन सी दुनिया के लवर हो आप बॉस, एक दिन जॉगिंग पर नहीं जाओगे तो तुम्हारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल डबल हो जाएंगे क्या? ओके उषा, मैं 12 बजे फोन करता हूँ। ओके, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके बाय। जाओ भाई, जाओ। सॉरी उषा डार्लिंग, तुम्हारे लवर के साथ साथ तुम्हें भी टॉर्चर कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। गॉड हेल्प मी, फोन करने का टाइम आ गया है। ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो जल्दी। उसने फोन किया था क्या? और 10 मिनट बाकी है ना। वो तुमसे प्यार नहीं करता, कन्फर्मली बोल रहा हूँ। क्यों? अरे अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो अब तक वो इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे प्यार के लिए वो तड़पता रहता। कहीं पर अलार्म लगा कर वो सो गया होगा कुंभकर्ण। यस, उषा तुम्हारे पड़ोस वाले के घर में एक पमोलियन कुत्ता था ना, उसका बच्चा हुआ क्या? अरे वो तो कुत्ता था, बच्चा कैसे पैदा किया? इंजेक्शन दिया तो वो पैदा हो गया। साइंस इतना डेवलप हो चुका है, अगर ऐसा है तो उस घर के ओनर ने बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए उसे डिवोर्स दे दिया था। उससे अच्छा तो वाइफ को भी इंजेक्शन लगवा देना चाहिए था। उसे कोई बीमारी है इसलिए रोज इंजेक्शन लेता है वो। ओहो, वो फिर भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। उषा अभी विश्वास तुम्हें फोन तो करेगा ही ना? 12 कब के बज चुके हैं, अब कल दोपहर 12 बजे करेगा क्योंकि इस वक्त 12:35 हो गए हैं। अरे अरे अरे, क्या कहा, 12 बज भी गए क्या? अरे उषा मेरी घर की घड़ी में अभी तक 12 भी नहीं बजे हैं। विशु कितना बुरा मानेगा पता है? देखो उषा, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना हा? मैंने तो तुम्हें फोन इसलिए किया था कि तुम्हें 12 बजे तक जगना है, बोर नहीं होना है, नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है चलो अभी फोन रखो, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फोन एंगेज था उषा। 12 बजे से पहले ट्राई कर सकते थे ना? मैंने बोला था ना कि मैं ठीक 12 बजे फोन करूंगा उषा,
तो फिर थोड़ी देर बाद ट्राई कर सकते थे। मैंने तुम्हें कितना ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उषा, उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, मेरा मोबाइल किसने स्विच ऑफ किया मुझे पता भी नहीं चला। उषा, ये बताओ कि तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे लिए गिटार प्ले करोगे क्या? या श्योर। हे रॉकी, हे रॉकी, गिटार गिटार लेकर आओ। गिटार गिटार ले आओ। गिटार मांग रहा है कमीना। You will have a nice time. Thank you. Oh no. Shit. Stage 2 gaya Usha. बजाओ ना। हाँ। वाव। उषा, तुम्हें इनका बाजा सुनकर नाचने का दिल नहीं कर रहा है क्या? आओ ना, आओ नाचते हैं, आओ। And it continues. Better run away for four as well. Four. Superb. रॉकी कौन सा ड्रेस सेलेक्ट करेगा देखती हूँ। रॉकी यहाँ आओ। हाँ आता हूँ ना, बस एक ही ओवर बचा, एक मिनट। क्या हुआ? ये विशु की सेलेक्ट की हुई ड्रेस है। ये ड्रेस, ये पहनकर जाओगी तो वहाँ के लोग तुम्हें अंडे से मारेंगे। ये ड्रेस उसने सेलेक्ट किया है तो कुछ नहीं होगा, सेंसर कट होगा। ओके, फिर इसमें से ड्रेस सेलेक्ट करके दो। ओए, अरे कैसी लड़की हो तुम, तुम्हारा लवर भी सेलेक्ट करके दूं और कपड़ा भी मैं ही सेलेक्ट करके दूं क्या? पता नहीं मेरे बिना तुम कैसे रहोगी। बहुत मुसीबत हो जाती। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। थैंक गॉड। डब्बा कपड़ा है सब। सुपर, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैंने भी यही सेलेक्ट की थी, हम दोनों का टेस्ट मैच करता है ना। ये बात तुम्हें अभी पता चली है क्या? मैं जानता था कि ये तुम पर मैच होगा। मैच? तुम फ्रेंड हो ना? ओह, अच्छा। वैसे तुम इतने रेडी होकर क्यों आए हो? मेरे घर के नौकरानी के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, ये ड्रेस कोड उसके लिए है, इसलिए मैं रेडी होकर आया हूँ। ये लो, तुम भी पार्टी में रेडी होकर जाओ। बाय। Hi boss. Hi. आज कितना स्मार्ट दिख रहा है ना ये। Hey, उषा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पार्टी कैसी लग रही है? ग्रेट। यू लाइक इट? हे उषा, ये क्या खराब से कपड़े पहनकर आ गई हो, कोई पार्टी ड्रेस नहीं पहन सकती थी क्या? ओके, ब्लू एंड ब्लू मैचिंग। आ जाओ, मैं अपने दोस्तों से मिला दूं। आ जाओ। हाय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त उषा, उषा ये किरण, ये रूपा और ये विशाल एंड वैसुरेश। हाय, वाह, आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है। थैंक यू विशु, यू आर सो लकी यार। रियली थैंक यू। तो सभी लोग पार्टी एंजॉय करो। या थैंक यू। थैंक यू। तुम जूस लोगी उषा? ओके श्योर। बेटर, एक जूस लाओ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलाकर लोगों को, वाकई बहुत अच्छा लगा।
अरे उषा उषा सॉरी 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 उषा बाहर वॉशरूम है वहाँ पे तुम क्लीन करके आ जाओ प्लीज ठीक है जा जा इट्स ओके ये बताओ तुम्हारा ये नाम किसने रखा ओ भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मिस्टर पशु माय नेम इज विशु विश्वास विश्वास नहीं विश्वासघाती हो तुम अबे एक नंबर की डब्बा अक्कले तेरी मेरी लवर के साथ मैं रोज कॉलेज जाता हूँ और उसे कोई तकलीफ ना हो इस बात का ख्याल भी रखता हूँ उसे बचाने वाला भी मैं ही हूँ उससे प्यार करने के लिए उसके पीछे घूम घूम कर वो क्या चाहती है क्या पसंद करती है ये जानकर उसके सामने खड़े होकर वो मुझसे प्यार करे ऐसे उसे जता कर उसके सामने पागलों की तरह खड़ा रहता हूँ और तुम दो दिन में आकर उसके सामने अपना डब्बा गिटार डिंगे 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 बजाकर उसे पटा लोगे क्या और मैं ऐसे छोड़ दूंगा हाँ ए तेरे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या मैं प्यार कर रहा हूं तो तू भी उससे प्यार कर लेगा क्या मैं तुझे जहर खाने के लिए कह रहा हूं तो तू वो खा लेगा क्या अरे बॉस 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 कूल बॉस अरे तुमने पार्टी दी है तो अब लफड़ा करके क्यों खुद की बेइज्जती करवा रहे हो बॉस बॉस एक बात बोलो जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते हो प्यार तो यहां से पैदा होता है और तुम कोई प्यार नहीं कर रहे हो बॉस बस टाइम पास कर रहे हो वो भी प्यार के नाम पे सच्चा प्यार उसके साथ बस मैं ही करता हूँ तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आज एक लड़की के लिए दो लड़के होंगे तो वो ज्यादा ही होगा ना वैसे एक लड़की से दो लड़कों की शादी ये तो फॉरेन कल्चर है ना वेरी गुड वैसे इस बात पर मुझे शुरू से ही डाउट था कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसा ही ख्याल चल रहा है उसके लिए अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा पता है क्या होगा बे बच्चे अभी देखना तेरे सामने ही उषा को आई लव यू बोलूंगा ओह तेरे सामने ही क्या इन सभी लोगों के सामने बोलूंगा बैठ लगी हाँ ठीक है बोल 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 दे अगर तू वाकई मर्द है तो उसे आई लव यू बोल के दिखा बेटा शर्त लगाने में हम किंग हैं किंग किंग हो या किंग कॉन्ग हो पता चल जाएगा वो आ रही है गेट रेडी एक्सक्यूज मी थैंक यू वेलकम उषा आई लव यू वेरी गुड ये होती है फीलिंग्स कीप इट अप रॉकी इसके बारे में इसे भी बता दो ना कौन सी बात ये कॉलेज के ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा है ओह माय गॉड कैसी लगी बॉस मेरी एक्टिंग तुम्हें भी इनवाइट कर रही हूँ तुम्हें भी आना होगा अरे पक्का श्योर ओके रॉकी डैड वेट कर रहे होंगे हम चले ओके बाय विशु ओके बॉस बुरा मत मानिएगा चलता हूँ गुड नाइट बाय या मैं अभी भी पार्टी में ही दूसरे के घर के गुलाब हैं तो उसे लेने मत आ जाना क्योंकि उसके नीचे कांटे होते हैं तो वो चुप जाएंगे बॉस 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 ए कूल बॉस ये तो हमारे ड्रामा का पार्ट है बाय रॉकी रात के वक्त बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं तो स्टंट करके पुलिस स्टेशन मत पहुंच जाना सीधे घर जाना ओके आई लव यू हाँ सुपर्ब वैसे थोड़ी और फीलिंग डाल सकते हो छोटे है छोटे यहाँ क्यों सो रहे हो चलो जाओ जाकर रूम में सो जाओ भाई मुझे उषा चाहिए भाई इसके लिए रो क्यों रहे हो मैं उसे बहुत चाहता हूँ भाई तो चाह ना किसने मना किया है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भाई क्या भाई मैंने उससे सिर्फ तुझे बात करने के लिए कहा था और तू उससे प्यार करने लगा और हाँ वो रॉकी तो कह रहा था कि वो लड़की भी तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो फिर तू क्यों चिंता कर रहा है वो तो मुझसे प्यार करती है भाई लेकिन वो जो रॉकी है ना भाई वो मेरे लिए विलन बना हुआ है भाई जब भी मिलता हूँ ना हमेशा बीच में आ जाता है hey, तूने नंदू के कान में ये बात डाल दी ना अब देख मैं उसे तेरे पास कैसे लेकर आता हूँ थैंक यू
अरे वाह चंदू, नया कपड़ा, नया लुक, क्या लग रहा है तू? अच्छा लग रहा है एकदम। जन्मदिन मुबारक मेरे दोस्त। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा भी हाल है यार। ए दुबी, हैप्पी बर्थडे चंदू। थैंक यू। अबे बाहर वाले के बर्थडे में तू बताता था, लेकिन आज तो तेरा बर्थडे है, तूने बताया नहीं मुझे। अरे वो बताने वाले थे, क्यों नहीं बताया? आज इसका जन्मदिन है, इसे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे ये परेशान करना नहीं होता माजी, ये तो हमारा छोड़ा है, आपने समझा? मेरा बेटा, मेरा बेटा। ओके ओके। क्या यार? ये ले बेटा, आज तेरे लिए ना खीर बनाकर लाई हूँ। खिला खिला। आकर आकर। कैसी लगी बेटा? सुपर सुपर। अगर मैं इसे ऐसे नहीं खिलाऊंगी ना तो ये खाएगा ही नहीं। छोटा बच्चा है ना, खिलाइए खिलाइए। बहुत अच्छा है। ऐसे क्या दिख रहा है बेटा, तुझे भी खिलाती हूँ। आकर आकर। रॉकी क्या हुआ बेटा? आपने मिर्ची खिलाई होगी। ए तू चुप कर। क्यों रॉकी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माजी, आपके हाथों से खाने का मौका मिला है ना। अरे ऐसा किसने कहा माँ, जो भी चीज इसे पसंद आती है जब तक ये सोचता है ना उसके सामने ला के हाजिर कर देते हैं, यही तो इसकी प्रॉब्लम है ना यार। अरे रुको रुको रुको। अरे बेटा तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। अरे सिद्धार्थ, अच्छा हुआ तू यहाँ पे मिल गया, मैं तेरे कॉलेज ही जा रहा था बेटा। ये ले तेरे लिए टिफिन बॉक्स, खा लेना। पापा आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये कैसी बातें कर रहा है तू, टिफिन बॉक्स घर में भूल गया था, तेरी माँ बहुत परेशान हो रही थी इसीलिए आना पड़ा। ले ले। मुझे नहीं चाहिए पापा, लेकर जाइए। अरे बेटा खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, तुम दोस्त हो इसके, समझाओ ना। बेटा जब तुझे भूख लगेगी तब खा लेना, चावल दाल देसी घी के साथ है, इसलिए तो मैं छोड़ कर आया था। पर बेटा मुझे दीजिए सर, ये खा लेगा, आप जाइए। खा लेना बेटा। रॉकी वो कचरा उठाते हैं, तूने इसे क्यों लिया? तेरे पिताजी कॉलेज के पास हैं तो तुझे अपमान फील हो रहा है, घर जाने के बाद यही खाते हो ना, उसी को यहाँ खाने के लिए प्रेस्टीज प्रॉब्लम हो रही है। दुनिया में हर किसी को ऐसा प्यार नहीं मिलता है बे, तुझे मिला है, इज्जत कर उसकी। तेरे माँ बाप भले ही पढ़े लिखे नहीं हो सकते, मगर वो जो प्यार दिखा सकते हैं वो कोई और नहीं दिखा सकता। तू कॉलेज में पढ़ता है तो तेरे दोस्त सिंह बढ़ गए हैं क्या, और जिंदगी में तेरे पास थोड़ा नेम फेम और थोड़ा सा पैसा क्या आ गया? तू क्या समझ रहा है कि इसमें बस थोड़े से चावल हैं? लेकिन इसमें कितना प्यार भरा है उसकी कीमत तुझे नहीं पता चलेगी। जब तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर जाएंगे तब तुझे उनकी कीमत पता चलेगी। चलिए मैं ही खा लेता हूँ। रॉकी सॉरी यार, ये प्यार मुझे चाहिए यार। हाय डैड। हाय। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड। क्या हुआ सर, आजकल आपकी बाइक हवा में उड़ रही है, शहर में जहां पर भी देखो तुम ही दिख रहे हो। दोस्ती निभाने से वक्त ही कहां मिलता होगा तुम्हें, जो तुम क्लास अटेंड करो। लगता है एग्जाम अटेंड कर लिया तभी कार्ड दिखाने लाए हो। इस मार्क्स कार्ड को तुम्हें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों को दिखाओ। मैं तुम्हारे कॉलेज में आकर तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलता हूं। डैडी एक बार मार्क्स तो देख लीजिए। गुड नाइट। उस पार्टी के लिए पिंक बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, बाय रेड। हाँ रेड विल लुक गुड। हाँ एक एक मिनट। हाँ क्यों नहीं, एक एक तो एक मिनट रुक जाओ। क्या बात है? माँ मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। सुपर, माय रॉक इज रॉक। या लिया या नहीं, बाय। हाँ वो बहुत अच्छा लगेगा, ले लिए। कोटाई को फोन किया था क्या? किया था भाई, कल्ला कर दे देगा। नमस्कार सर। क्या हुआ सर, पिछले महीने ही आपने वादा किया था कि काम हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट में हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है,
जल्द ही हमें इस डील को खत्म करना होगा। देखिए, मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में है, इसी टेंशन में मैं आपका ये काम ठीक से कर नहीं पाया। हे भाई, कौन है देख जरा। सर, अगर इसी तरह से डिले होता रहेगा तो क्लाइंट को जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा। एक बार जरा सोच लीजिए। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बताइए, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। भाई क्या हुआ? स्टालिन। क्या हुआ स्टालिन को? स्टालिन नहीं रहा भाई। हाँ? टोने, गाड़ी निकाल, आज उसका गेम बजा देंगे। ए, उसे मार देगा क्या? हाँ नहीं, उसने मेरे दिल पे चोट की, मैं भी उसके दिल पे चोट करूंगा। जिस तरह मैं अपने भाई को खो के रो रहा हूँ, उसी तरह वो भी अपने भाई को खो के रोएगा। गुलाबी। ए तू जा 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 जा। गुलाबी। हाय। हाय। वो क्या है ना? आज तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम मिला क्या? लाइब्रेरी में चले, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलो ना। सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उषा कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। उषा क्यों? मैं हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ। रॉकी, वो सिंगर के साथ चली गई। मुझसे बात नहीं करता। भाई, रॉकी आया है। रॉकी? आप अभी उसे समझा कर सबक सिखा दोगे तो तुम्हारा भाई देवदास बनने से बच जाएगा, क्योंकि मुझे तो मेरी वाली पर पूरी तरह से प्यार हो गया है, और प्यार होने के बाद जो होना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप हो चुका है। तू अभी बच्चा है और जानता है बच्चे को बच्चे जैसा ही रहना चाहिए। मेरी बात समझा तू? अगर तू ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा ना तो तेरे दोनों पैर काट दिए जाएंगे, हाथों को हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। क्या ये? उस दिन तो तू बोल रहा था कि वो लड़की मेरे भाई से प्यार करती है, वो एक बार उससे मिल ले, और आज कह रहा है कि मेरा भाई तुम्हारी प्रेमिका के साथ घूम रहा है। पागल हो गया है क्या? उस दिन की कहानी कुछ और थी, आज की कहानी कुछ और है। उस दिन खाना खाया था तो क्या आज खाना छोड़ देंगे? मेरा तभी वन साइड लव था भाई, लेकिन अब मेरी वाली को भी मुझसे प्यार हो गया है, पता चल चुका है। अगर तेरा भाई नहीं होता तो उस जगह मैं होता, ऐसा उसने बोल दिया है भाई। वो सुनने के बाद भी मेरे साइड में कोई दूसरा घर बना रहा है तो मैं कैसे चुप रहूंगा यार। अरे सुन मेरे भाई, अभी तेरी शादी की उम्र नहीं हुई है, अभी बहुत समय बाकी है यार। दिखने में तो तू एक हीरो जैसा लगता है, मजाक भी सही करता है। देख, इस दुनिया में हजारों लाखों लड़कियां पड़ी हुई हैं, कोई ना कोई तो तुझसे पट ही जाएगी। मेरा भाई उससे प्यार करता है, तू रास्ते से हट जा। मेरा भाई इनोसेंट है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, लड़कियों से दूर रहता है, वो श्री रामचंद्र की तरह है, वो पहली बार किसी लड़की से प्यार कर रहा है, ऐसा मुझे बोल रहे हो क्या? देखो भाई, मुझे ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं रोज ही ट्रेन में घूमता रहता हूँ, ऐसे बहुत देख चुका हूँ भाई, गहरे गहरे कुएं में कूद कर आया हूँ, इसलिए मेरे सामने ज्यादा झाड़ने की कोशिश भी मत करना। वैसे दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई, एक काम करो ना, किसी एक संडे को अपने भाई को बिठा कर अच्छे से समझा देना, नहीं तो एक दिन उसे मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। देख, वो मुझसे कह रहा था कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा, वो उस लड़की से जान से भी ज्यादा प्यार करता है, अगर वो उसे नहीं मिलेगी तो वो अपनी जान तक दे देगा। आपका भाई जान देना चाहता है तो मैं अपनी जान क्यों दूं भाई? लाइफ में कुछ भी दान करके अच्छा आदमी है ऐसा नाम कमाने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है भाई। उसे चाहे आप ही त्याग करो ना भाई, आपके भाई को करण का पाठ दे दो और हम दोनों को आशीर्वाद दे दो, हम दोनों आधा दर्जन बच्चे पैदा करके आराम से खुशी खुशी रह लेंगे। चलता हुआ होई।
अपने भाई को दुखी नहीं देख सकता हूँ। उससे पूछे बिना इस घर में कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसी की मर्जी का खाना भी बनता है। नंदू को गुस्सा आएगा तो निशाना लगाएगा और वो मिस नहीं होगा। ओए, अंदर क्या कर रहे हो, सब बाहर आ जाओ। अब शुरू हो जाओ, इसकी तकदीर में यही लिखा है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। प्यार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। लाश उठाने वाले को लाशों पर से फूल उठाना कौन सी बड़ी बात है? इतने लोगों को मारा है तो तुझे और तेरे भाई को मार नहीं सकता क्या? हे, अरे डरो मत यार, मैं आपको नहीं मारूंगा। अरे मेरी लवर के जब भाई हो तो मेरे तो साले हो गए ना। चलता हूँ। जो कर रहा हूं वो बहुत ही गलत है। अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो आगे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम सॉरी विशो। बड़े बड़े शूरमा मेरे सामने आकर सर झुका लेते हैं, और इस कल के आए हुए बच्चे की हैसियत क्या है? इसकी इतनी हिम्मत किसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई? कौन हो तुम सब लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये कमीना तो यहीं पर है, तो फिर छोटे को किसने मारा? हाँ? क्यों बॉस, कैसा लग रहा है? उसे छोड़ेंगे नहीं बॉस, जान से मार देंगे आज। हाँ, आने दो उसे। गुरु, वो नंदू का भाई। हाँ? आज वो बच के नहीं जाना चाहिए, खत्म कर देंगे उसे आज। चल गाड़ी चला, जल्दी। हाँ? चला, देखते हैं, पकड़ते हैं उसे। विशु, क्या हुआ विशु? समरी है? रॉकी, रॉकी प्लीज हेल्प हिम, हॉस्पिटल ले जाओ इसे, विशु को हॉस्पिटल लेकर जाओ प्लीज। जस्ट मिस, थैंक्स। एक मिनट लेट होता तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन ये गंदा काम मैं नहीं करना चाहता था। हाँ, और ऐसा गंदा काम मुझसे ना हो जाए इसलिए भगवान ने किसी और को भेज दिया। अबे कमीने, मुझे बताए बिना तुम मेरी वाली को बाहर घुमाने ले जाएगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट मिस हो गया। अगर तू एक हफ्ता यहीं रहेगा ना तो मैं कभी मिस नहीं करूंगा, उल्टा मैं और उषा बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सॉरी बॉस, जस्ट मिस। सॉरी
संभाल कर रहना बॉस, संभाल कर। उषा ये टैबलेट्स टाइम पर लेना, जूस पियो ना बॉस, जूस पियो, जूस पी लो। रॉकी इसके चेकअप के लिए डॉक्टर आए हैं, हम चलते हैं। हां चलते हैं, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके बाय। उषा बॉस बॉस, अरे तुम रेस्ट ले लो बॉस, मैं आता हूं। हां उषा, डैम इट, गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग। क्यों उषा, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? सिर्फ वही तुमसे प्यार करता है या तुम भी उस लड़के से प्यार करती हो? किससे? वो ब्लडी रॉकी। क्या बोल रहे हो तुम? रॉकी मेरा अच्छा फ्रेंड है। तुम ऐसा सोचती होगी उषा, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। ये क्या हो गया है आज तुम्हें? और अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो हम दोनों को इस तरह से क्यों मिलवाता? उषा, रॉकी ने मुझसे क्या कहा पता है? मेरे लवर से प्यार करो। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो उसने कहा मैं जिसे चाहता हूं वो तुम्हें चाहती है, इसलिए तुम्हें उसे प्यार करना ही पड़ेगा। उषा, मुझे लग रहा है कि वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं ऐसा मुझे डर लग रहा है उषा। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उषा, वो मुझसे सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उषा, मेरा भाई जिसे चाहता है उसे कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मेरा भाई भी कंफ्यूज हो गया। वो रॉकी डबल गेम खेल रहा है उषा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए उषा। एंटी माइंड ड्रेवर्स वर्कशॉप सही कहते हैं, हॉस्पिटल की चार दीवारी के अंदर बैठे बैठे तुम्हें इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। तुम्हें शक होना ही नहीं चाहिए और तुम उस बारे में सोचो ही मत ना। मैं खुद ही जाकर रॉकी से बात करती हूँ। उषा कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलो तो बताती हूँ। देखो अंधेरे में एक लड़का और लड़की पार्क में रहेंगे तो लोग गलत समझेंगे। हाँ कोई गलत फहमी हुई है इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या गलत फहमी हुई है उषा, इस पार्क के बारे में तुम जानती नहीं हो। यहाँ बहुत कुछ चलता रहता है, यहाँ पर आना ही सबसे बड़ी परेशानी, मच्छर भी बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ। रॉकी प्लीज बी सीरियस, पता है आज विशु ने हम दोनों के बारे में क्या कहा? लवर्स होने के बाद ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम ये सब कह रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि उसने क्या कहा। रॉकी, क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ एक लवर की तरह बिहेव किया है? विशु कह रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उषा, मेरी हर बात का तुम यकीन करती हो ना? विशु ने कहा है तो तुम पूछ रही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं नहीं कहूंगा, मगर तुम अपने आप आकर पूछोगी तो ही मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। मैं तुम्हें आई लव यू कहूंगा, अब भी यकीन करोगी क्या? उषा तुम लड़कियां भी ना, कोई लड़का तुमसे प्यार करता है तुम कैसे जज करती हो? वो 10 लोगों को बताने के बाद ही क्या, या 10 बार तुम्हारा पीछा करने के बाद पता चलता है? एक महीने से मैं भी रिहर्सल बस करता ही जा रहा हूं, बस करता ही जा रहा हूं। प्यार होने के बाद दिल में नहीं छुपा सकते ऐसा मैं कहता हूं, और ऐसा प्यार आने से आंखों में दिखता है ऐसा तुम कहती हो। बताओ वैसा प्यार मेरी आंखों में दिखा या नहीं दिखा तुम्हें, जज करो ना उषा। विशु ने जो कहा वो सच है, तो फिर क्यों हमेशा तुमने मेरे साथ फ्रेंड की तरह बिहेव किया? प्यार के बिना दोस्ती रहती है, मगर दोस्ती के बिना प्यार नहीं रहता है। तुमने इतना कुछ अपने दिल में छिपा कर रखा। I hate you। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उषा, 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 ए, ए, यहाँ क्या चल रहा है? कौन है तुम लोग? वही तो डिस्कस कर रहे थे सर। डिस्कस इस वक्त? वो भी यहाँ पे? क्यों? मैं इसे नहीं जानती हूँ सर। सर ये मुझे अच्छे से जानती है सर, ये जोक कर रही है यहाँ पर। जोक? ए, इस पार्क में कितना जोक सुनता हूँ पता है क्या? ए लड़की,
तुम्हें अकल नहीं है? कोई भी इस टाइम पे पार्क में आता है क्या? चलो घर जाओ, जाओ। उषा, उषा। ए, तू कहाँ जा रहा है बे? चल पुलिस स्टेशन। सर, मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी सर। कौन लेके आया था? मुझे नहीं फर्क पड़ता, किसे लेके जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। चल पुलिस स्टेशन, एक नंबर का आवारा है। आवारा मत बोलो सर, मैं रॉकी हूँ। तू बहुत बड़ा तोप है, चल बे, चल चल। ए, 302 सर, जरा इधर आओ। क्या सर? ये कौन है सर? पार्क में लव स्टोरी चल रही थी। हाँ। इसे लेके आया हूँ। ओ, ऐसी बात है क्या? ए, जरा इधर आ। हेलो अंकल। क्या, चल बैठ जा। कोई बात नहीं। अरे घबरा मत, बैठ जा। कौन थी वो लड़की? वो मेरी लवर है सर। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। अरे मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था। आपके जानने के बाद भी मुझे यहाँ क्यों लाए हो सर? अरे ये इंडिया है, इसलिए लाए हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों की अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम लोग लव के चक्कर में पड़ जाते हो, फिल्में देखकर खुद को हीरो समझने लगते हो। अरे भाई ये प्यार वगैरह फिल्मों में ही देखने में अच्छा लगता है, पब्लिक डायलॉग सुनती है और सीटी बजाती है। तुम जैसे लोग सीरियस हो जाते हैं और प्यार कर बैठते हैं। कहीं वो लड़की किसी दूसरे से दिल लगा बैठी तो तुम्हारा वन साइड लव हो जाएगा, और ऐसे में जब तुम सुसाइड करोगे उस वक्त हमें मौके पर पहुंचकर केस फाइल करने के लिए आना पड़ेगा। उतना सीन नहीं है सर, वो लड़की मुझसे प्यार करती है। दिमाग खराब मत कर, चुपचाप बैठ। हेलो। हेलो, उषा जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं जयनगर पुलिस स्टेशन से CI नारायण बात कर रहा हूँ। आज पार्क में आप एक लड़के से मिली थी। अगर आप कहती हैं तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो FIR फाइल करने जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। वो यहाँ से जाने की हालत में नहीं है, मैंने उसकी अच्छी तरह धुलाई की है। किसी को उसे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। ओह नो, अब क्या होगा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, डोर लॉक बोल रहा है। मैं आप ही देख लो ना, मैं वहाँ गया था पर ये वो क्या है सर? आपने इसे इतनी बुरी तरह मारा? ओ तो आप हैं वो। जब हवलदार ने आपसे इसके बारे में पूछा तो आपने कहा मैं इसे जानती ही नहीं। मुझे क्या पता था कि आप इसे मारेंगे? ओहो, आपने सोचा था कि हम इसकी अच्छी तरह से सेवा करने वाले हैं? खातिरदारी हो गई, बात करती है, ले जाओ इसे। अरे यार इन लोगों का प्यार भी ना। JK कब आएगा? कल आएगा बोल रहा था। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। नमस्ते साहब। ओ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ, ठीक नमस्ते, है बैठो। नमस्ते। कोई खास बात जो यहाँ तक आना पड़ा? ज्यादा कुछ नहीं, अभी जो यहाँ से गया है उसका क्या केस है? क्या बताऊँ मैं, बड़ी अजीब सी कहानी है। शाम को पार्क में लड़की ने बताया कि एक लड़का उसे परेशान कर रहा है, और जब हम लड़के को यहाँ लाए और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है, प्रूफ कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कैसे कर सकते हो, प्रूफ करके जरा दिखाओ, तो उसने कहा सर आप एक काम कीजिए, मुझे बहुत मारिए सर। हम ऐसे किसी को बिना कारण नहीं मार सकते। भगवान के लिए मुझे मारिए सर। तुम ये सोचते हो कि पुलिस स्टेशन में आने वाले की सबकी धुलाई की जाती है? देखो किस केस में किसको मारना है और किसे नहीं मारना है हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी आप मुझे मारेंगे या फिर मैं आपको मारूं? अबे क्या कहा तूने, तू मुझे मारेगा? अभी मेरी लवर को फोन कीजिए सर, और फोन करके उससे पूछिए कि मुझे छोड़ना है या फिर FIR फाइल करनी है। और आपने मुझे बहुत मारा है ये भी उससे कहना, तभी पता चलेगा कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती। आपने मुझे मारा है सर। जब मैंने उसे फोन किया तो वो लड़की यहाँ आई और मुझे सारी फिलोसॉफी समझाकर उसे यहाँ से ले गई।
मुझे क्या? मुझे प्यार हो गया है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। आप जानती हैं? किसने कहा आपसे? अरे अरे, कौन कहेगा, मुझे तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू किससे प्यार करती है, और वो लड़का भी तुझसे बहुत प्यार करता है। दादी, वो लड़का कौन है आप ये भी जानती हैं? उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है मैंने, वो है रॉकी। डिंग डिंग डिंग। दादी को उसकी आंखों में प्यार दिख रहा है, पर वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? या फिर मैं ही उसकी आंखों को ठीक से पढ़ नहीं पा रही? आपके घर में लड़की देने से भला कौन मना करेगा सर? आपके घर में भला किसी चीज की कमी है क्या? रुपए, पैसे, धन दौलत, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं। आप मुझे बताइए कौन है वो लड़की, मैं बात करता हूँ ना। किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आपको ही मानना है। मेरा भाई एक लड़की से बहुत प्यार करता है, आपकी बेटी से। मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी? शादी होते ही ये दोनों फौरन चले जाएंगे, उसके बाद हमारा सारा बिजनेस अब यही संभालेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे ये रानी महारानी की तरह रखेगा। खुशी हुई सर, जिंदगी में वो कहीं भी रहे, मैं तो बस उसे हमेशा खुशी से रहते हुए देखना चाहता हूँ। अब इस शुभ काम को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। हम भी बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। उषा, मेरे म्यूजिक के लिए पागल होकर कितनी लड़कियां मुझे आई लव यू बोलती रहती हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मैंने, मैं चैन से सो भी नहीं पा रहा हूं। आई लव यू उषा, आई लव यू सो मच। उषा, मेरे भाई और तुम्हारे पिताजी मुझे पता है कि इस रिश्ते से बहुत ही खुश होंगे। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टूडे उषा, मैं बहुत खुश हूं। मेरी लवर किसी और के साथ घूम रही है जानकर चुप रहने वाला इंसान नहीं हूं मैं उषा। मैं तुमसे प्यार करता हूं ये जानकर तुम्हारे पीछे पीछे 24 घंटे घूमने वाला वो रॉकी, उसकी फ्रेंडशिप तुम छोड़ दो, हमारे बीच उसकी जरूरत नहीं है उषा। ये बात उसे तुम्हें समझानी होगी। आज तक कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं बना, मैं अपने बेटे को यही बनाना चाहती हूँ। ए फूल, मैं अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। रॉकी क्या बनना चाहता है ये आप दोनों ने कभी उससे पूछा है? देखिए अब इसमें उससे पूछने की क्या जरूरत है हमें? पढ़ाई वो करता है, एग्जाम वो देता है, कॉलेज वो जाता है, तो उसे क्या बनना है क्या नहीं ये भी तो उसे ही तय करने देना चाहिए। मेरे दो बेटे थे, पहले बेटे के साथ आप जैसा ही बर्ताव करती थी, इसीलिए मैंने उसे खो दिया। उसे खोने के बाद मेरी आंखें खुली, और आपका तो एक ही बेटा है। उसकी इच्छा पूरी कीजिए, उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए, स्ट्रिक्ट रहना अच्छी बात है लेकिन उसे इग्नोर मत करिए। हम दोनों अपने बेटे को नेगलेक्ट करते हैं ये आपको कैसे पता चला? हम अपने बेटे को महीने में कितना खर्चा देते हैं ये आप जानती हैं क्या? एक बच्चे को एक माँ पालती है और दाई पालती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप अपने बेटे को पैसे देते हैं, वो दाई उससे खर्च करवाती है, आप उसके लिए बाई रखते हैं ना, यही तो उसे इग्नोर करना है। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज
आजकल तो मुझसे मिलते नहीं, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं प्यार करता हूँ। मैंने जो तुमसे पहले कहा वही सच है। ऐसा तुम क्यों कह रही हो? बोल दो उषा, इस रोमियो को सब कुछ बता दो कि हम दोनों के घर वालों ने मिलकर हमारी शादी तय कर दी है। बता दो इसे भी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आपका बेटा आपको मार्कशीट दिखाने के लिए आपके पास आया था, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं। आपको देखना चाहिए था सर, आप देखते तो उसे बहुत खुशी होती, क्योंकि वो अपने पूरे कॉलेज में सेमेस्टर में फर्स्ट आया था। आज रॉकी के कॉलेज में एक ड्रामा है, आप लोग जानते हैं, इस बारे में कुछ पता है? इस वक्त आप लोगों को वहां जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए। मैं जानती हूँ ये मैं कहने वाली कोई नहीं होती। बेचारे, आप लोगों को जरूर किसी जरूरी मीटिंग में जाना होगा, मुझे पता है। आपके बेटे को इस घर में प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी औरत है जो हमें समझा रही है। मेरा भी एक बेटा है, इसलिए मैं ये बात समझती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं माफी मांगती हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम परवाह नहीं करोगी ना? उषा, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। विशु, विशु छोड़ो मुझे, विशु छोड़ो, रॉकी हमारे लिए ही लड़ रहा है। अगर मैं यहाँ रहा तो ये मुझे मार डालेंगे, चलो जल्दी। चलो। ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। चलो चलो छोड़ो से, चलो चलो। हमारे कॉलेज को इस साल पूरे 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसीलिए हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। उसके लिए बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम पेश करने आ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट गिरी मिमिक्री शो लेकर। कुछ देखने के लिए दिनेश नाम का एक लड़का सिटी मॉल में गया, जहां पर उसकी मुलाकात हुई जानी नाम के एक शख्स से। जानी, क्या हो रहा है? हम राजकुमार थे, राजकुमार हैं और राजकुमार रहेंगे। ओ, मैंने कब कहा आप नहीं हैं, मैं तो पैराशूट बेचता हूँ। पैराशूट बेचते हो, इससे क्या होगा? जब आप एरोप्लेन में बैठोगे, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो इस पैराशूट को लेकर आप जंप कर सकते हो, फिर आप सेफ लैंड हो जाओगे। है? अगर सेफ लैंड नहीं हुए तो बताओ फिर क्या करोगे तुम? नो प्रॉब्लम, आप लोग मेरे पास आइएगा, नया दे दूंगा। रॉकी का है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे टेंशन मत ले, फोन लगा जल्दी से। हैं? क्या हुआ? नॉट रीचेबल। ओ तेरी। उषा कहाँ है? मेकअप रूम में है। मैं उससे पूछता हूँ। उषा, तुम इतने लेट से क्यों आई? तैयार होने में तो टाइम लगेगा ना, टाइम की कोई कीमत नहीं है क्या? अच्छा छोड़ो, रॉकी कहाँ है? ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रॉकी को फोन करता हूँ। पता नहीं क्यों देर कर रहा है वो भी। Thank you.
नॉट रीचेबल, उस पे विश्वास करके गलती की। लो पकड़ो इसे, अब हम लोग ये शो नहीं कर पाएंगे। चंदू, ये कॉलेज की प्रेस्टीज का सवाल है यार, ये शो करना ही पड़ेगा। देख, तूने इसके सारे डायलॉग पढ़े हैं यार, तू इस कैरेक्टर को निभा ले यार प्लीज। ये सोडा कैसी बात कर रहा है यार, परफॉर्म करने के लिए रिहर्सल की जरूरत होती, मैंने रिहर्सल कहाँ की है, ये कैसे कर पाऊंगा मैं, मुझसे नहीं होगा। हाँ जाने दे, कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल जाने दे, कोई बात नहीं। हाँ जाने दे। अरे तू मुझे समझ कर रहा है यार। चंदू तू चिंता मत कर, वो कैरेक्टर मैं करता हूँ, जितने डायलॉग्स मैं जानता हूँ उसमें मैनेज कर लूंगा, अपने कॉलेज का मान रखूंगा मैं। वेरी गुड, जा कॉस्ट्यूम पहन, जल्दी जा। ओके चल हाँ। रेडी हो जा। कुछ ही देर में आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा, मैरियर थॉमस का नाटक फर्स्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट लेकर आ रहे हैं। भाई उषा, भाई उषा। महारानी के चेहरे पर खुशी इस समय क्यों नहीं झलक रही, आखिर इसका कारण क्या है? तू समझ गया डायलॉग कैसे बोलना? देख भाई, बी कॉन्फिडेंट, आग लगा दे आग। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गुड, जा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हे, स्पॉटलाइट ऑन करो। सच, आशा, प्यार, इंसान अपने अंदर छुपा कर रखे तो वो जहर बन जाता है, ज्यादा दिन उसे पाल कर रखो तो वो हमें मार डालेगा। और मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूं। ये प्यार हो जाए तो इंसान बेचैन रहता है। अच्छा बोला तुमने, प्यार में पढ़ने वाले को तुम दिमाग दे रही हो, प्यार में पागल है उसे समझा रही हो। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसके लिए दूसरे लड़के को लाया, दोस्ती करवाई, प्यार भी करवाया, दोनों का प्यार सक्सेसफुल हो जाए इसलिए मदद भी की। पता नहीं कितना बड़ा पागल हूं मैं, लेकिन तुम भी पागल हो। प्यार और दोस्ती में फर्क नहीं जानने वाली पागल, एक नंबर की पागल हो तुम। है? ये क्या डायलॉग बोल रहे? ये डायलॉग तो हमारे स्क्रिप्ट में था ही नहीं यार। चंदू, ये स्क्रिप्ट के डायलॉग है यार, लेकिन आज जो वो बोल रहा है अपने दिल से बोल रहा है, बोलने दे उसे, बोलने दे। अच्छा, जो फ्रेंड्स हैं वो कभी प्यार नहीं कर सकते, ये बात गलत है क्या? तुम्हारे हिसाब से लव क्या है बताओ? 6 महीने का कोर्स करके, फिर फोर्स करके, फिर तुमसे प्यार करना चाहिए था, ये प्यार होता है? प्यार अपने आप होना चाहिए और अपने आप को ही समझ में आना चाहिए, वही है सच्चा प्यार। प्यार के लिए मर जाओ, प्यार के लिए जानवर की तरह पीछे पड़ो, प्यार के लिए तड़पो, प्यार के लिए पागल बनना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों में प्यार दिखने के बाद भी हाथ बांध कर चुपचाप खड़े रहना है, मेरी मां की कसम मुझे यह पता नहीं था। बस एक ही बार आई लव यू कहकर बहुत से लोग लवर्स बन जाते हैं, और मैंने तुम्हें 100 बार आई लव यू कहने के बाद भी तुम उसे ड्रामा डायलॉग समझकर और फील करो ऐसा कहती रही, लेकिन तुम मेरे अंदर के सच्चे फील को समझ ही नहीं पा रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इस ड्रामा स्टेज पर खड़े रहकर मैं अपनी सच्ची फीलिंग बता रहा हूं, इसके लिए मुझे हंसना है या रोना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर दिन मेरे प्यार को तुम समझ नहीं पा रही हो, ये गिल्टी तुम्हें नहीं होनी चाहिए बता रहा हूं, इसलिए मैं एक ही बार अपने दिल से आई लव यू बोल देता हूं, तुम में वो फील है या नहीं वो अच्छी तरह से समझ लो। Thank you.
लव यू ऐसा नहीं, और थोड़ा उसमें फील होना चाहिए।